हाँ प्रिय विद्यार्थियों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का धमाकेदार वीडियो ये इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा आज कि आपको ऐसा कभी पहले देखा नहीं होगा। देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का धमाकेदार लेक्चर। ठीक है, ये धमाकेदार लेक्चर आपको मिल रहा है। गौर करें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का धमाकेदार वीडियो ना देखा ना सुना नए अंदाज में। सबसे पहले लैब मेथड, सबसे पहले लैब मेथड देखेंगे। वैसे तो लैब मेथड एनसीईआरटी में है नहीं है, लेकिन हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम में पूछी गई थी। ये दो क्विक विनेगर और एसीटोन जिसे पेन प्रोपेनॉन टू भी कहते हैं, एसीटोन का आईयूपीएसी नेम ओटी में पूछ सकते हैं। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉन टू और क्विक विनेगर, क्विक विनेगर के द्वारा, क्विक विनेगर को जर्मन मेथड भी कहते हैं, ओटी यहां से पूछ सकते हैं। क्विक विनेगर में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मींस एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहीं से दो ओटी बन सकती हैं, क्विक विनेगर को जर्मन मेथड और क्विक विनेगर से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड, एसीटोन को प्रोपेनॉन टू। सबसे पहले आप टू लैब मेथड तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन जो 8 मार्क्स की है, देखो 8 मार्क्स में क्या है, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, फिर 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक ओटी आएगी। ये 8 मार्क्स आपके कंप्लीट कर जाएंगे। ओनली 1 घंटे का, 1 घंटे का वीडियो है। आप अच्छे से बात कर जाएं तो ये मान लो आपके 8 अंक पक्के हैं, कंफर्म है। सुपर ट्रिक और ग्राफ का उपयोग किया जाएगा, लास्ट में नेम रिएक्शन बताई जाएंगी, हर चीज बताई जाएगी आपको। देखते हैं समझो किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट्स हैं, उन 4 यूनिट्स में सबसे टिपिकल लगती है बच्चों को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हमने यहीं से स्टार्ट किया है। आपको इसमें क्या है, आपको 8 मास कैसे तैयार कर सकते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करें, तो इसमें क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, और कभी कभी 2 और एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो 8 टाइप्स हो जाते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए ये 8 टाइप्स क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट पे लैब मेथड तैयार करेंगे आप, सेकेंड पे आप डिफरेंस याद करेंगे, थर्ड पे आप रीजनस क्वेश्चन याद करेंगे। ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, हर स्टूडेंट इसे लर्न कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से, लैब मेथड, डिफरेंस और रीजनस क्वेश्चन। उसके बाद अब जो भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे, कितने 5 टाइप्स के वो होते हैं रिएक्शन बेसिस। उसमें क्या होता है, सबसे मेन होती है नेम रिएक्शन, फिर व्हाट हैपेंस, कन्वर्जन, पैसेज और एबीसीडी रिएक्शन। माने रिएक्शन 5 टाइप्स से पूछी जाती हैं, और ने क्वेश्चन में यही 5 टाइप्स के क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं, इन्हें घुमाया जाता है। तो अच्छे से अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो ये लास्ट की जो 5 प्रॉब्लम्स है आपके हम फिनिश कर देंगे। इसमें हम बड़ी सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आज जब ये वीडियो आप पूरा बात करके लास्ट में पहुंचेंगे तो बहुत ही सुखद अनुभव करेंगे। देखते हैं, तो ये सबसे पहले आप ये लैब मेथड तैयार करेंगे। लैब मेथड के बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंस याद लर्न करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस, गिव द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद रीजनस क्वेश्चन एंड रिएजेंट, इसमें 2 रिएजेंट याद करेंगे, एक टॉलिन रिएजेंट एक फैलिंग रिएजेंट बताएंगे, जुड़े रहेंगे साथ में। इसमें रीजनस क्वेश्चन ये 4 हमने सिलेक्ट किए हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं, जब एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें रीजनस क्वेश्चन आ सकता है। हमने ऑनली 4 रखे हैं, इनमें 4 ये तैयार कर लिए तो एक फंस जाएगा। बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसीटाल्डिहाइड, फिर फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन बट एसीटाल्डिहाइड डज नॉट, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन आफ्टर हैविंग सीओ ग्रुप, मान सीओ ग्रुप है फिर भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। एल्डिहाइड हाई रिएक्टिव बट कीटोन लेस रिएक्टिव, तो ये 4 रीजनस क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रीजनस क्वेश्चन 4 में से एक आ जाएगा, 2 नंबर पक्के अगर ये 4 कर लिए। आगे देखो व्हाट हैपेंस बताएंगे, टॉलन रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट बताएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। सबसे पहले आपको ये रिएजेंट ही बता दें हम, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, 2 नंबर के लिए बड़ा सुपर है, गौर करते हैं। टॉलन रिएजेंट एंड सिल्वर मिरर टेस्ट कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए ध्यान दें। टॉलन रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट, देखते हैं
क्या है, सॉल्यूशन है ये, टॉलन रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन किसका, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड टॉलन रिएजेंट। डिफाइन हो गई टॉलन रिएजेंट की, ओटी में भी आ सकती है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, कौन कौन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है, ये जो मिक्सचर होता है वो टॉलन रिएजेंट होता है। याद कर लो सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर क्या कहलाता है, टॉलन रिएजेंट। व्हाट इज टॉलन रिएजेंट, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें एक्टिव पार्ट कौन होता है, Ag2O, याद कर लो एक्टिव पार्ट Ag2O होता है इसमें, और ये रिड्यूस्ड कर देता है एसिटाल्डिहाइड को एस्टिक एसिड में, ये एसिटाल्डिहाइड को एस्टिक एसिड में रिड्यूस्ड कर देता है, एसिटाल्डिहाइड को एस्टिक एसिड में माने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, रिडक्शन कर देता है उसका। एक बात और ध्यान रखना इसमें, यहाँ पूछ देते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में जो डिफरेंस करते हैं वो हम इन्हीं रिएजेंट की हेल्प से करते हैं, तो कभी पूछ देते हैं उन दो रिएजेंटों के नाम बताओ जो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस हो, तो एल्डिहाइड में टॉलन रिएजेंट फैलिंग रिएजेंट का यूज करते हैं, ये उसका रिडक्शन के काम आ सकते हैं, बट कीटोन में उनका यूज नहीं करते। देखो ये लिखा इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय एल्डिहाइड टू एसिड एंड सिल्वर मिरर, ठीक है, माने कि एल्डिहाइड रिड्यूस्ड हो जाती है काय में, सिल्वर मिरर में, सिल्वर मिरर में देखो, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये देखो रिएक्शन बता रहे हैं, ध्यान दो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुई है, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट। फिर देखो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड के टू मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ हीट कर दिया तो Ag2O प्लस H2O बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन एल्डिहाइड है, RCHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। अब इसका एल्डिहाइड का इसमें ये ऑक्सीजन इसमें अटैच हो जाएगी तो CHO काय में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड था वो काय में कन्वर्ट हो गया एसिड में, ठीक है, तो और Ag2O काय में कन्वर्ट हो गया सिल्वर में, ठीक। तुमने यहाँ देखा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है बस टॉलन रिएजेंट का रिडक्शन हुआ है, ये रिड्यूज हो गई क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूव हो गई है, Ag2O का रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। तो देखो जो ऑक्सीजन यहाँ आ रही है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बट इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। आगे देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया टॉलन रिएजेंट, तो टॉलन रिएजेंट पे आपने देख लिया बहुत ही तीन रिएक्शन थे सिंपल, ये तीनों रिएक्शन आपको वहां लिख के आना है। अब आ जा फैलिंग, ध्यान से देखें फैलिंग, फैलिंग, फैलिंग रिएजेंट, देखो टॉलन रिएजेंट जनरली सबको लर्न रहता है बट फैलिंग कम लोगों को याद रहता है, तो फैलिंग पे थोड़ा गौर कर लेना बेटा। टॉलन तो सभी लोग जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर टॉलन रिएजेंट, एक्टिव ग्रुप Ag2O, एल्डिहाइड को काय में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड जो है टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं बट कीटोन डज नॉट रिएक्ट, कीटोन टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे, एक डिफरेंस भी हो गया। आगे देखो ये क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद कर लो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, रोसेल लवण, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट याद ना रहा है तो क्या रोसेल, ठीक है, रोसेल सॉल्ट, ठीक है, एंड बेसिक क्यूप्रिक सल्फेट का जो सॉल्यूशन मिक्सचर होता है वो कहलाता है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग रिएजेंट। देखो टॉलिन में क्या था, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है रोसेल सॉल्ट प्लस बेसिक कॉपर सल्फेट या बेसिक क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है,
तो अब रोसेल सॉल्ट याद कर लो, या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, और क्या बेसिक क्यूबिक सल्फेट, इनका मिक्सचर कहलाता है। डेफिनेशन हो गई, डिफाइन होगा ये, याद कर लो डिफाइन, फिर एक बार सुन लो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस बेसिक क्यूप्रिक सल्फेट, बेसिक क्यूप्रिक सल्फेट का मिक्सचर क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें एक्टिव पार्ट कौन होता है, CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें एक्टिव पार्ट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड एक्टिव पार्ट। फिर ये रिड्यूस्ड किसमें, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड को ये भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और CU2O रेड पीपीटी देता है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और CU2 का रेड पीपीटी प्रेसिपिटेट देता है। रिएक्शन देखो, रिडक्शन देखें, देखो रिडक्शन सॉरी इसकी रिएक्शन देखें, एल्डिहाइड CuO से रिएक्शन, CuO का है CuO ही तो है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन, ये एक्टिव ग्रुप होता है CuO एक्टिव ग्रुप है, ये ऑक्सीजन यहाँ एल्डिहाइड में अटैच हो जाएगी तो एल्डिहाइड का में कन्वर्ट हो जाएगी C OH में, याद करो CHO का में कन्वर्ट हो जाता है C OH में, और ये CuO रेड कलर का पीपीटी देता है, CU2O रेड कलर का पीपीटी देता है, तो इसमें ओनली एक ही रिएक्शन लर्न करनी है। तो आपने देखा टॉलरेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, दो दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन याद हो गए आपको। अब दो डिफरेंस भी तो होगा एल्डिहाइड कीटोन में, क्या एलडीआर जो होता है टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और सिल्वर मेटल टेस्ट देते हैं, कीटोन सिल्वर मेटल टेस्ट नहीं देते हैं, एलडीआर जो होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी देते हैं, कीटोन रेड पीपीटी नहीं देते हैं, ये दो डिफरेंस हो गए आपके, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसके बाद आपको हमने रिएजेंट याद करा दिए हैं, अब हम वापस आते हैं, आपको हम लैब मेथड बताएंगे, क्या बताएंगे, क्विक विनेगर, क्विक विनेगर देखें, ये वाला क्वेश्चन बहुत लैब मेथड हमने कही थी, सबसे पहले आप क्या करें लैब मेथड तैयार करेंगे, ठीक है, लैब मेथड देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो हाउ विल यू प्रिपरेशन एसिटिक एसिड फ्रॉम क्विक विनेगर प्रोसेस डिस्क्राइब ऑन द बेसिस फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन कौन से डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड, डायग्राम ऑफ द मेथड, प्रिकॉशंस एंड इक्वेशन, तो ये सब हेडिंग बना के पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले से डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, देखो पहले हम तुम्हें एक्सप्लेन कर दें फिर आप उसके बाद लैंग्वेज देख लेना, ये है आपका डायग्राम, दो नंबर का डायग्राम आएगा, ये डायग्राम तैयार कर लें, दो नंबर का डायग्राम होगा, देखो सबसे लास्ट में सुपर नेम रिएक्शन बताई जाएंगी ट्रिकोग्राफ की सहायता से, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको रिएक्शन में जो प्रॉब्लम आती है उसकी सुपर धांसू ट्रिक लाएंगे लास्ट में, इसीलिए पूरा वीडियो वाच करते रहे, ठीक है, ध्यान से पूरा देखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, आधा देखोगे तो आधे अंक मिलेंगे, ठीक है। और एक बात देखो आगे के, अगर आप चाहते हो वीडियो आते रहे तो कमेंट्स लाइक ठोंकते रहे, नहीं करोगे तो ऐसा फिर हमें भी कुछ नहीं है बेटा, हमारी तबीयत खराब चल रही है, हम तुझे मान लो लगे हैं तुम्हारी वजह से, आप रिस्पांस नहीं दोगे तो हमें भी जरूरत नहीं है आपके रिस्पांस के, ठीक है, आपको क्लोज कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओटी सीधी बात है कि कुछ लोग क्या पढ़ तो लेते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, और आप ये प्रेजेंट जरूर लगाएं, हमें भी तो जोश आए कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए बराबर ये चीजें आप करते रहें जो आपके हैं, ये गुरुदक्षिणा एक प्रकार की तुम्हारी, ठीक है। तो ये देखें, ये बात इतनी, ये है आपका क्विक विनेगर, इसका सबसे पहले प्रिंसिपल क्या कैसे देखेंगे, इसमें हम आपको इक्वेशन बता रहे हैं, इक्वेशन पर ध्यान दो, इक्वेशन बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे गौर करना है, इसे हम इथाइल एल्कोहल से, किससे, इथाइल एल्कोहल, डायग्राम जब भी क्विक विनेगर आए सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, इथाइल एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में, तो इथाइल एल्कोहल को हम एथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं IUPAC नेम, एथ माने होता है टू कार्बन, एल्कोहल माने OH,
बैलेंस ही पूरी कर दो, थ्री यहाँ हो जाएगी, टू यहाँ हो जाएगा, ये इथाइल एल्कोहल हो गया। इथाइल एल्कोहल देखते रहना, इथाइल एल्कोहल प्लस इसका ऑक्सीडेशन कर दो एयर के द्वारा, एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे, एयर के द्वारा जब ऑक्सीडेशन करेंगे माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, एसिटी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है इसका। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का अटैच होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। यहाँ से जब ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और यहीं पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा तो क्या प्रिपेयर होगा, सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस एच टू ओ। देखो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा, देखो ये ओ एच अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा तो ये एच टू यहाँ से हटके ओ से एच टू बनाएगी, यहीं ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एच। ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया, किसका प्रिपरेशन हो गया एसिटिक एसिड। तो ये एक इक्वेशन आप लिख दोगे, आपको एक एक अंक मिल जाएगा, इसी से लैंग्वेज लिख दोगे, क्या लिख दोगे, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया टू गिव एसिटिक एसिड एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्विक विनेगर रिएक्शन। लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज रट्टा मत करो, इससे बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया टू गिव एसिटिक एसिड एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्विक विनेगर मेथड। लैंग्वेज हो गई, सबसे सिंपल लैंग्वेज, कुंजी की नरट है, आपके दो अंक पक्के हो गए, एक नंबर लैंग्वेज का एक नंबर क्वेश्चन का। अब इसे हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाओ डायग्राम, ये क्या डायग्राम में क्या लिखोगे, ये जो आपको देगा बाल्टी से, बाल्टी सेप अपरेटस है, इसमें क्या लगा, ऊपर क्या लगे हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड टॉप है ये, परफोरेटेड टॉप है, ये परफोरेटेड टॉप है आपका, ठीक है, ये फॉल्स बॉटम है ये एक, ठीक है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में परफोरेटेड टॉप और फॉल्स बॉटम के बिटवीन हम वुड सेविंग्स, ये वुड बैट है, वुड बैट के अंदर जो बिटवीन में वुड सेविंग फिल कर देते हैं, इसमें क्या होता है माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, इसमें हम ये कह सकते हैं पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन, मतलब ये है वुड सेविंग्स का मतलब क्या है, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन। पुराने सिरके में क्या होता है, सिरका माने विनेगर, जो ओल्ड विनेगर होता है उसमें माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया अधिक होते हैं, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया किसमें ज्यादा होते हैं, ओल्ड विनेगर में, ओल्ड विनेगर, ओल्ड विनेगर, ओल्ड विनेगर में, ओल्ड विनेगर में क्या होते हैं माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं। तो हम ये जो बॉटम है, देखो एक है आपका क्या, ये फॉल्स बॉटम और एक है आपका क्या परफोरेटेड टॉप, इनके बीच में हम पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन, मतलब लकड़ी की जो छीलन होती है उसमें ओल्ड विनेगर मिला देते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। ओल्ड विनेगर क्यों मिला देते हैं, कि उसमें माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में होंगे। अब इनके भोजन के लिए, फूड के लिए, किसके फूड के लिए, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के फूड के लिए अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिला देते हैं। ये प्रिकॉशंस हैं, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट जरूर मिला देते हैं, ध्यान रखना। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और अमोनियम फॉस्फेट का होता है NH4 का होल थ्राइस PO4। अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे तो सीधे अमोनियम सॉल्ट लिख दिया करो, अमोनियम सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, अमोनियम सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं। ये अमोनियम सॉल्ट ओटी पूछ सकते हैं, क्विक विनेगर बनाते समय माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया का भोजन क्या है, अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। और एयर पास करने के लिए बड़े बड़े होल्स होते हैं, जो तुम्हारी वुड वुड बैट है, वुड बैट में बड़े बड़े होल्स होते हैं एयर पास करने के लिए, एयर को पास करने के लिए, एयर क्यों, एयर के द्वारा तो ऑक्सीडेशन होगा, एयर को पास करने के लिए बड़े बड़े होल्स होते हैं। अच्छा, ऊपर से 8 से 10% हम क्या करते हैं एल्कोहल का सॉल्यूशन ड्रॉप करते हैं, जब ये सॉल्यूशन डाउन
होके नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है थायल एल्कोहल का, यहाँ पे थायल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, एसिटिक एसिड बनेगा जो यहाँ बॉटम में भर जाएगा, इसे हम नल की हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार ये डायग्राम देख रहे हैं, दो नंबर का डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहले इक्वेशन तैयार कराए थे, अब ये डायग्राम हो गया। अब देखो डायग्राम से ही पूरी लैंग्वेज लिखी गई है। देखो इधर मेथड देख लो, मेथड में क्या कहा गया, देखो बीच बोर्ड सेविंग्स आर प्लेस्ड इन वुडन वेट्स विथ परफोरेटेड टॉप एंड फॉल्स बॉटम, मतलब फॉल्स बॉटम और परफोरेटेड बॉटम के बीच में हम क्या भर देते थे, वुड सेविंग भर देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग विनेगर कंटेनिंग माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, फिर उसके बाद 8-10% एथाइल अल्कोहल इज ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इट इज मिक्सड विद द सम अमोनियम सॉल्ट, उसमें अमोनियम सॉल्ट देखो NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसमें कर देते हैं अपन अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट अमोनियम फॉस्फेट मिक्स कर देते हैं, फिर तो 8-10% एसिटिक एसिड हमें ऑब्टेंट हो जाता है। तो इसकी आप क्या करें, मेथड की स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मेथड की स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेन पॉइंट हमने तुम बताए, मेन पॉइंट देखो ये है कि 8-10% हमें एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है, 8-10% इथाइल अल्कोहल ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और इसमें अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये मेन बातें याद रखें, प्रिंसिपल हमने आपको समझा ही दिया था, वो हमारा प्रिंसिपल लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने बताया था उसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है, कुछ उससे रटेंगे नहीं आप, ठीक है। ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। वैसे तो ये लैब मेथड आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये NCERT बुक में नहीं है, लेकिन हाफ ईयरली में पूछी गई है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब आ जाए एसीटोन, ये है पर आपका एसीटोन, टू लैब मेथड तैयार करेंगे। तो एक हमने तैयार करवा दी क्विक विनेगर का, देखो हमने प्रिंसिपल को सिंपल बताया, दो नंबर वहाँ आपके पक्के हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, कितने हो गए 4 अंक, 1 नंबर का मेथड है। फिर क्वेश्चन अगर देखें, सावधानियां, तो सावधानियां क्या, टेम्परेचर रखेंगे आप, ठीक है, 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग, ठीक है, और आपने उसमें एथाइल एल्कोहल कितना 8-10%, तीसरा प्रिकॉशन क्या है, अमोनियम सल्फेट अमोनियम फॉस्फेट आप उसमें फूड के लिए डालेंगे, किसके फूड के लिए, माइक्रोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया का भोजन है, और चौथा प्रिकॉशन क्या है, सावधानियां, चौथी सावधानी क्या है, चौथी सावधानी ये है कि आपने जो बड़े बड़े होल्स हैं उसमें एयर जो है बराबर पास करते रहें, कंटिन्यूस पास करते रहें, एयर की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एयर के द्वारा तो ऑक्सीडेशन होना है। तो ये 4 प्रिकॉशन हो गए, उसी में हम लोग फिट कर दिए, देखो हमने फिट किए थे, गौर कर लो, अभी हम थोड़ा दिखा देते हैं, देखो ये था, देखो ये डायग्राम में ही सब चीज़ें, देखो जी, देखो ये पहला प्रिकॉशन यहाँ से बनाएंगे, डायग्राम से यहाँ से बना दो, टिक लगी है, यहाँ देखो 8-10 एथाइल अल्कोहल इतना हो गया, दूसरा प्रिकॉशन इसमें फूड के लिए हमने बताया था, तीसरा जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, और टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हमने जो तो बताया था 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, ध्यान दें, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी देख लो। एसीटोन लैब मेथड देखते हैं, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CO साहब से 2CH3, ऐसे याद कर लियो, CO साहब से जब 2CH3 जुड़े हो तो एसीटोन, सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉन टू। अब देखो एसीटोन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिंसिपल क्या है, तो इसमें हम लेते क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट बोले तो CH3C00, ये एसीटेट है, एसीट बोले तो CH3 एसीटेट तो CH3C00 एसीटेट। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो एसीटेट 2 अटैच होंगे, ये फॉर्मूला कैल्शियम एसीटेट का है। एनहाइड्रस ये कैसा लेते हैं हम, एसीटोन को लैब में OT पूछ सकते हैं, लैब में एसीटोन का प्रिपरेशन करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस लेते हैं, तो याद रखो एनहाइड्रस लिखो या ड्राई लिखो, ड्राई भी लिख सकते हो, एनहाइड्रस या ड्राई कैल्शियम एसीटेट
ड्राई कैल्शियम एसिटेट या एनहाइड्रस कैल्शियम एसिटेट, इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, हीट करते हैं, तो ये CaCO3 ये इतना बाहर हो जाता है और ये CO साहब से CH3 जुड़ जाती है, CO साहब से CH3 जुड़ गई, एसीटोन का प्रिपरेशन हो गया, कितना सिंपल है, प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कैल्शियम एसिटेट कन्वर्टेड एसीटोन, कैल्शियम एसिटेट को कैसे कन्वर्ट करेंगे एसीटोन में, व्हाट हैपेंस, कन्वर्जन में भी कई बार रिएक्शन आ जाए बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लियो, एक नंबर का अलग से भी आ सकती है लैब मेथड के साथ साथ। ये प्रिंसिपल है किसका, एसीटोन का, क्या ड्राई कैल्शियम एसिटेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें एसीटोन ऑब्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, और ये डायग्राम समझो, अब इसे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम ये डायग्राम देखो, दो नंबर का डायग्राम है, ऐसे बना दोगे तो दो नंबर मिल जाएंगे। देखो ये रिटार्ट है, ये क्या आपका रिटार्ट है, रिटार्ट को स्टैंड पर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, बर्नर की हेल्प से इसे हीट किया जाएगा, इसमें क्या ले लेते हैं, देखो इसमें ले लेते हैं आप ड्राई कैल्शियम एसिटेट, शॉर्ट में से लिखते हैं CH3C00O का होल ट्वाइस CA, ये आपका कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट, ड्राई कैल्शियम एसिटेट, रिटार्ट में रिटार्ट को स्टैंड पर रखकर फिट कर लेते हैं, इसमें एक कंडेंसर, ठीक है, और एक सेप, ठीक है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसे फिट कर लेंगे, ठीक है, और इसमें हम क्या कैल्शियम एसीटेट लेंगे और बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे तो एसीटोन की वेपर बनेगी जो कंडेंस होकर यहाँ पर एक्सेप्टर माने ग्राही में इकट्ठी हो जाएगी। तो ये डायग्राम है आपका, ठीक है, तो ये दो नंबर का डायग्राम होता है। फिर सुन लो, हमने क्या कहा, ये जो आपका रिटॉर्ट है इसे स्टैंड पर रख के फिट कर लेंगे, फिर इसमें एक कंडेंसर, कंडेंस करने के लिए कंडेंसर प्लस एक्सेप्टर माने ग्राही जोड़ देंगे, फिर उसमें हम इसे हीट करेंगे तो कैल्शियम एसिटेट का डिस्टिलेशन होगा, एसीटोन की वेपर बनेगी जो यहाँ कंडेंस होकर ग्राही में इकट्ठी हो जाएगी। मैंने आगे देखो, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, देखो एस शुड इन डायग्राम इन ए ग्लास फ्लास्क, रिटॉर्ट को यहाँ ग्लास फ्लास्क भी बोल सकते हैं, एन हाइड्रस कैल्शियम एसिटेट एंड आयरन पाउडर इन स्मॉल क्वांटिटी आर टेकन, या इसमें थोड़ा आयरन भी ले लेते हैं, क्यों, जिससे कि अपना जो लिक्विड है उछले नहीं, ठीक है, आयरन ले लेते हैं, ठीक है, आयरन पाउडर क्यों लेते हैं कि जैसे गर्म करते समय ये जो लिक्विड है वो उछले नहीं, ऊपर ना फ्लो ना करे, ठीक है, इस देन हीटेड एसीटोन गेट्स कलेक्टेड इन रिसीवर, इसे रिसीवर में, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये कंडेंसर है, ये आपका रिटॉर्ट है। तो इस प्रकार से आप लैब मेथड को इसे तैयार कर लेंगे, सिंपल सी मेथड है एसीटोन। तो अगर लैब मेथड, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, बट चूंकि हाफ ईयरली में दी है, कहीं धोखे से दे ना दें पांच अंक में, तो पांच अंक बहुत होते हैं, इसीलिए हमने दोनों पढ़ा दिए आपको, पांच पांच अंक के दो ही क्वेश्चन आने हैं, हम आपको ये दोनों क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, सुन लो, एक आएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पांच अंक का क्वेश्चन और एक आएगा यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तीन क्वेश्चन कर लो तो एक मिल जाएगा आपको, कौन कौन, SHE कर लेना, गैल्वेनिक सेल कर लेना और रस्टिंग ऑफ आयरन कर लेना, कंप्लीट है, सील लगी है, पांच अंक पक्के। अब आ जाओ इधर, इधर पांच अंक एल्डिहाइड कीटोन में पांच अंक आएंगे, तो पांच अंक यहाँ आने के लिए अपन क्या करें, अभी हम नेम रिएक्शन की टेबल बनाने बताने वाले हैं, हम फाइव टेबल बनाएंगे, गारंटी है सील लगी है, पांच क्वेश्चन है, मैंने हमारी पांच टेबलें हैं इसमें, और ये पांच क्वेश्चन कर लोगे तो पांच अंक पक्के, ठीक, अच्छा, और लैब मेथड कहीं आ गई तो पांच अंक पक्के हैं, ये तो सिंपल है ही, तो पांच अंक में या तो जो हमारी पांच टेबलों में से आ जाएगा या फिर इन दो लैब मेथड में आ जाएगा, तो ऐसे सात क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, दो क्वेश्चन देखो हमें तो ये अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले अकॉर्डिंग NCERT तो इसमें कहीं डायग्राम नहीं बने, इसलिए लैब मेथड के आने नहीं चाहिए, लेकिन हाफ ईयरली क्वार्टरली दे दी थी इसलिए धोखा ना हो जाए, पांच अंक बहुत होते हैं इसलिए सिंपल थे हमने पढ़ा दिए, लेकिन अपन फोकस काय पे ज्यादा करेंगे, आप नेम रिएक्शन फोकस करेंगे उन्हीं में से आना है, ठीक, और में हो सकता है लैब मेथड दे दें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेम रिएक्शन ज्यादा फोकस करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लैब में सबसे पहले लैब मेथड ये हो गई आपके, ठीक है, अब रीजनस क्वेश्चन है, देखो रीजनस क्वेश्चन है, चलो देखो रीजनस क्वेश्चन और IUPAC नेम,
कुछ यहाँ देखो आईयूपीएसी नेम है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। कभी कभी आईयूपीएसी नेम, पार्सल आईयूपीएसी नेम पूछ दिए गए थे, तो जैसे ये वाले दोनों आईयूपीएसी नेम पारिसाल आए हैं, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेम को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कुछ देख लें। आईयूपीएसी नेम देखते हैं, आईयूपीएसी नेम किस तरीके से करते हैं। जैसे ये लिखा है सी एच थ्री का होल टू आई सी एच सी एच ओ, तो ये ऐसे कंडेंस करके फॉर्मूला दे देते हैं, तो इन्हें आप क्या करो, करो बिल्कुल सही तरीके से लिख लिया करो अपने कॉपी में। जैसे ये लिखा है तो इसे ऐसे तोड़ के लिख लो ऐसे करके, देखियो सी एच थ्री, ठीक है, किससे जुड़ा है सी एच से, उसमें दो सी एच थ्री जुड़े हैं तो एक ऊपर जोड़ दो ऐसे सी एच है, और ये क्या होगा सी एच। अब तुम इसे आसानी से कर लोगे। जो कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं जोड़ के लिखते हैं, जब कंडेंस फॉर्मूला दिया हो तो उसका आप आईयूपीएसी नेम किस प्रकार देंगे समझ लो। आईयूपीएसी नेम का रूल्स होता है, सबसे पहले लॉन्ग चैन का सिलेक्शन कर लो, लॉन्ग चैन का सिलेक्शन कर लो। लॉन्ग चैन के सिलेक्शन के बाद, लॉन्ग चैन के सिलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, उसमें काउंटिंग कर दो। काउंटिंग कहां से करते हैं, काउंटिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन। सबसे पहला रूल्स क्या है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे और काउंटिंग कहां से करेंगे, फंक्शन ग्रुप से, तो वन टू थ्री। अब टू पे क्या है, अटैच है मिथाइल, तो हम लिख देंगे यार टू मिथाइल, टू पे मिथाइल है, ये साइड चेन की पोजीशन बताते हैं, टू मिथाइल, टोटल कार्बन क्या है थ्री है, तो प्रोपेन, और सी एच ओ के लिए अल लगाते हैं प्रोपेनल, तो देखो ये ना टू मिथाइल प्रोपेनल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम था। और देखो फिर एक ये वाला दिया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सी एस थ्री से सी एस थ्री का उल्टा है, तो इसे लॉन्ग करके लिख लो सी है, और सी से क्या जुड़ा है यहाँ सी एस थ्री, और इधर भी क्या जुड़े हैं सी एस थ्री जुड़े हैं दो, ठीक है, और ये सी है और ये सी एच है। जब कंडेंस फॉर्मूला को स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख लेना तो आपको आईयूपीएसी नेम समझ में आ जाएंगे। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लो, कर लिया लॉन्ग चेन का सिलेक्शन, काउंटिंग कर दो भैया, काउंटिंग करो, वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देखो अब देखो ऊपर टू है नीचे टू है, ये साइड चेन है, तो साइड चेन की पोजिशन बता दी टू टू डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल। एक बात ध्यान रखना, डिजिट के बीच हम कोमा लगाते हैं और डिजिट और वर्डिंग के बीच डैश लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखो। टू टू डाई मिथाइल, एक ऊपर है एक नीचे, थ्री कार्बन है प्रोपेनल, प्रोपेनल, तो क्या ना टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनल। तो ये दोनों आईपीसी नेम समझ गए होंगे, ठीक है, ये दोनों आईपीसी नेम है। इसी प्रकार हम और भी आईपीसी नेम कर लेंगे, ध्यान दें। आईपीसी नेम के कुछ हम रूल्स बता दें। रूल्स नंबर पहला है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे, रूल्स नंबर टू है हम कार्बन काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे, रूल्स नंबर थ्री है साइड चेन की पोजीशन बताएंगे, और चौथा नंबर अगर सी एच ओ है तो उसके लिए अल लगाएंगे, सी ओ है तो उसके लिए ऑन लगाएंगे, सी डबल ओ एच है तो उसके लिए ओ एक एसिड लगाएंगे, ओ एक एसिड। ये सफिक्स याद कर लो, सी एच ओ के लिए अल, सी ओ के लिए ऑन, सी डबल ओ एच के लिए ओ एक एसिड, ठीक है, सी एन के लिए नाइट्राइल, ठीक है, OH के लिए ऑल। तो ये हमें सफिक्स याद होने चाहिए, सुपर फाइव सफिक्स हैं। एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, कीटोन के लिए ऑन लगाते हैं, सी डबल OH के लिए ओ एक एसिड, और सी एन के लिए नाइट्राइल। साइनाइड के लिए नाइट्राइल वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये आपके ओटी में भी आ सकते हैं। तो ये आपके आईपीसी नेम के लिए शॉर्टकट में हमने बताया। आगे बढ़ो, फिर आगे कह रहा हाउ इज बेंजोइक एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम टोलुइन। बेंजोइक एसिड को टोलुइन से कैसे ऑब्टेंड करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड को टोलुइन, बेंजोइक एसिड और फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन से बेंजोइक एसिड। तो देखो हमने यहाँ टोलुइन ले लिया, मिथाइल बेंजीन को ही टोलुइन कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया कायम है स्टेनिक, ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, ये जो सी एस थ्री ग्रुप है, ये सी एस थ्री ग्रुप कन्वर्ट हो गया सी डबल ओ एच में, ये हाइड्रोजन जो है एच टू ओ के रूप में ऑक्सीडेशन करा दिया गया है। तो टोलुइन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दे तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखो, आगे शॉर्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू यूज ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के टू यूज देख लो, देख लो सावधानी, देख लो दो दो नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक दो नंबर का भी क्वेश्चन तो आना है, पहले हम दो नंबर ही करा रहे हैं, पहले दो नंबर का और फिर पांच अंक का, पांच अंक की लैब मेथड बता दी है, दो अंक के जो क्वेश्चन देखो, सोडियम बेंजोएट टू प्रिजर्वेटिव फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल होते हैं उन्हें हम प्रिजर्व करने के लिए, फूड मटेरियल को प्रिजर्व माने सुरक्षित करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक आती है या कोई जूस है, पैकिंग
पैक होके आता है तो उसमें मिला देते हैं सोडियम बेंजोएट है। इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, स्किन डिसीज में भी ये काम आता है, तो दो यूज इसके याद कर लो, स्किन डिसीज में और प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज करते हैं। चलो आगे आओ, फिर राइट नेम ऑफ टू रिएजेंट विच रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या कह रहा है, राइट नेम ऑफ टू रिएजेंट विच रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो टोलिन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन ऐसे हैं जो एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं और कीटोन से नहीं करते हैं। अभी बताया था हमने, ये दोनों एल्डिहाइड से तो रिएक्ट करते हैं बट कीटोन से नहीं। तो राइट नेम ऑफ टू रिएजेंट Which react with aldehyde, ठीक है, तो aldehyde के साथ react करते हैं, ठीक है, वो फैलिंग, ध्यान रखना aldehyde के साथ react करते हैं, ketone के साथ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये दो नंबर का क्वेश्चन एक और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, क्या है वो, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में CO है फिर भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, उसका रीजन बताओ। तो देखो CO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इज स्टेबल, रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है सो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO ग्रुप है उसमें रेजोनेंस की वजह से ऐसा नहीं होता है, ठीक, क्वेश्चन फिर समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ग्रुप है फिर भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता तो उसका रीजन है रेजोनेंस, उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। चलो शॉर्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, ठीक है। फिर गिव द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, गिव द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बता रहे हैं, जुड़े रहना, लास्ट में धमाकेदार ट्रिक आने वाली है, थोड़ा और इंतजार करो, ठीक है। इट कंटेंस द फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, वो कहां होता है, कार्बन चेन के एंड में होता है, ठीक है, और ये जो कीटोन होता है वो बीच में होता है, फंक्शनल ग्रुप CO होता है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO है और यहाँ फंक्शन ग्रुप CO है, ये एंड में होगा, ये बिटवीन होगा, एक डिफरेंस हो गया। जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं काय में, फैटी एसिड में इजली, जे इजली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जो ध्यान रखना कीटोन इजली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है। फिर देखो दे गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं मतलब टोलिन रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, और जो डू नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट देंगे, ये रेड प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, तो ये डिफरेंस हो गए। फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, दे फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, इनका रिडक्शन कर दें तो प्राइमरी अल्कोहल देंगे और ये क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये फाइव डिफरेंस हो गए। अगर बहुत ही सिंपल पेपर बना तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस आ जाएंगे। एक बार फिर सुन लो, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, सुनो, एल्डिहाइड कीटोन, तो पहले तो वो रिएजेंट वाली याद कर लो, एल्डिहाइड जो होते हैं टोलिन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देंगे, एक हो गया। एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट देंगे, कीटोन रेड प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, दो डिफरेंस तो ये होगा, ये तो याद। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप फंक्शन ग्रुप होता है, इसमें CO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है एंड में होता है, ये बिटवीन होता है, ठीक। एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, इसका रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये भी तो है। देखो दे फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, दे फॉर्म ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से आप डिफरेंस याद कर सकते हैं, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के डिफरेंस स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके फाइव डिफरेंस हो गए, पांच अंक का पेपर सरल बना तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अभी आते हैं रीजनस क्वेश्चन, देखो रीजनस क्वेश्चन, देखो ये अभी थ्योरी टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं, रीजनस क्वेश्चन, बेंजाल्डिहाइड इज लेस, बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसीटाल्डिहाइड, वो ये कह रहा है जो बेंजाल्डिहाइड होता है, ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और एसीटाल्डिहाइड है वो हाई रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाई रिएक्टिव है, हाई आंसर पूछ रहा है, ऐसा क्यों है, तो सीधी बात, बेंजाल्डिहाइड जो है, बेंजाल्डिहाइड जो अपना है, बेंजाल्डिहाइड में समझियो, बेंजाल्डिहाइड में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है, जिन मॉलिक्यूल में ध्यान रखो रेजोनेंस होगा वो स्टेबल होंगे,
स्टेबल होंगे तो लेस रिएक्टिव होंगे, समझ गए। तो बेंजाल्डिहाइड में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, सो लेस रिएक्टिव होता है। एसिटाल्डिहाइड में डू नॉट रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस अब्सेंस है, ठीक है, सो ये अनस्टेबल होता है, सो हाई रिएक्टिव होता है। लिखा देखो, सी एच ओ ग्रुप बेंजाल्डिहाइड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस बिकम्स स्टेबल, रेजोनेंस इज नॉट फाउंड एसिटाल्डिहाइड, हेंस इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रीजनस में कि तुम्हारी फॉर्मेल्डिहाइड जो है, समझना, तो तुम अभी ये समझ गए हो कि जब भी कोई ऐसा बात कहे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल, तो वहां रेजोनेंस अपन आंसर लिख देंगे, रेजोनेंस उसका रीजन था। इधर देखो, अब आते फॉर्मेल्डिहाइड सी एच ओ, ठीक, और एसिटाल्डिहाइड, समझना, एसिटाल्डिहाइड सी एच थ्री सी एच ओ। पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, ये फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसमें जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। पहले ये समझो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखो, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। तो रूल्स ये होता है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है, वो ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान रखो, कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन वे देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, ध्यान रखना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, कैनिजारो नहीं देंगे। कैनिजारो कौन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, अल्फा हाइड्रोजन पाया नहीं जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है मतलब पाया नहीं जाता है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देंगे, एसिटाल्डिहाइड डू नॉट कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कैनिजारो नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, यहाँ देखो वो कह रहा था फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन बट एसिटाल्डिहाइड डज नॉट, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन देता है, उसका रीजन क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है। ये क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो वही लिख रहा है, देखो, कैनिजारो रिएक्शन गिवन दोज एल्डिहाइड व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, एसिटाल्डिहाइड एज अल्फा हाइड्रोजन हेंस गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है सो ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है, और कैनिजारो कौन देता है, जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए, ठीक है। तो ये रीजनस क्वेश्चन थे, दो दो नंबर के, बहुत सिंपल तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं, गौर करो। तो ये आपने देखा दो रीजनस क्वेश्चन थे कि बेंजाल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है वो स्टेबल है, एसिटाल्डिहाइड हाई रिएक्टिव है, क्यों, उसमें रेजोनेंस अब्सेंट है सो अनस्टेबल है सो हाई रिएक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगी, बेंजाल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगी, क्यों, उसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्यों, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन वो कैनिजारो देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपका इंतजार खत्म हुआ है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेम रिएक्शन की ओर, आपका इंतजार खत्म है, इसी के लिए सब परेशान रहते हैं स्टूडेंट, इनको ही हम अब तुम धमाकेदार से पढ़ा रहे हैं। नेम रिएक्शन की कौन कौन सी टेबल है, पहली टेबल है कंडेंसेशन, दूसरी है रिडक्शन, तीसरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथी है बेंजीन की टेबल, और उसके बाद
केनिजारो टिंसको इटार्ड और कुचरोप ओजोनोलिसिस और छठवीं टेबल है अमोनिया। ये छह टेबल हम बनाएंगे, बहुत सारी नेम रिएक्शन कवर हो जाएंगी। फिर हम कन्वर्जन बताएंगे, ये कन्वर्जन करने हैं एस्टिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड टू एस्टिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल टू एथेनॉल, एथेनॉल टू मेथेनॉल। ये बहुत सुपर कन्वर्जन है। एक ऐसा सुदर्शन चक्र तैयार करेंगे, ये सब कट जाएंगे आपके। कन्वर्जन की धमाकेदार ट्रिक है हमारे पास, जुड़े रहना। हमने कहा पूरा वीडियो पूरे नंबर आपने कट करके देखा तो आधे अंक मिलेंगे, हम नहीं जानते हैं। ऑप्टेन फ्रॉम एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड से कैसे ऑप्टेन करना है, क्या क्या, एसिटिल क्लोराइड, एसिट एमाइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, इथाइल एसिटेट। ये सुपर क्वेश्चन है साल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने बता दिया, ये था आपका क्या रिएक्शन का गैस पेपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर, सीधे चलते हैं रिएक्शन की ओर। ये देखो आ गई आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी है। कंडेंसेशन की टेबल, सबसे पहले आपकी कंडेंसेशन की टेबल है, तैयार हो जाओ, सावधान, ठीक। नेम रिएक्शन देखते हैं, सबसे पहली टेबल कंडेंसेशन की टेबल, नेम है एल्डोल कंडेंसेशन, कौन है बेटा ध्यान से देख ले, एल्डोल कंडेंसेशन 2023 इंतजार कर रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन, नाम में देखो एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मीन्स होता है कि यहाँ कंबाइन हो जाएंगे, कंडेंसेशन से मीन्स कंबाइन। देखो कंडेंसेशन माने कंबाइन कर देना है आपको, ठीक है, कंडेंसेशन मीन्स कंबाइन। अब बात आती है किसे कंबाइन करेंगे, कंडेंसेशन टेबल देखते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ देखें, थोड़ा व्यवधान के लिए खेद है, चलो कंडेंसेशन मान कंबाइन होगा, यहाँ क्या कम हमें पता क्या चलेगा, हम क्या कंबाइन करें। देखो एल्डोल दिख जाए तो एल्डिहाइड ले लो, एल्डोल दिख जाए तो क्या ले लो, एल्डिहाइड, एल्डोल हो तो क्या ले ले, एल्डिहाइड। अब बात आती है कौन सी एल्डिहाइड ले लोगे, एसिट एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड एल्डिहाइड लेते हैं, कौन सी एल्डिहाइड लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों ले सकते हैं। ध्यान रखो एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन अटैच एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एग्जाम्पल लेंगे, सुपर है एल्डोल कंडेंसेशन 2023 के लिए इंतजार कर रहा है, ध्यान से देखियो। तो हम अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड ले लेते हैं तो CH3CHO, हमें कैसे पता चलेगा, एल्डोल दिखे तो समझ जाओ एल्डिहाइड लेना है, कैसी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन अटैच एल्डिहाइड। तो हमने एसिट एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एसिट एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल को डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कंबाइन कर देंगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कंबाइन कर देते हैं। तो देखो कैसे कंबाइन होता है, एल्डोल से हमें पता चल गया एल्डिहाइड, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये H यहाँ आके O से कनेक्ट हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ध्यान रखो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इन दोनों को कंबाइन कर दो, CH3CHOH + CH2CHO, तो ये बन गया, बनने वाला कंपाउंड हो गया एल्डोल। जब कोई नाम ना आए तो क्या रख दो, एल्डोल नाम रख दो। अब इसमें इसका IUPAC नेम देना है, तो IUPAC नेम में लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लो,
कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है तो लिख दो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्वेश्चन देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में कभी बच्चे ये तो याद किए रहते हैं, बहुत सिंपल हो गया ना एल्डोल कंडेंसेशन। फिर देख लो, एल्डोल आए तो एल्डिहाइड को कंबाइन कर दो, सीधी बात। बेंजोइन आए तो बेंजाल्डिहाइड को कंबाइन कर दो, सीधी सीधी। ये दोनों रिएक्शन कैसे याद करोगे, सीधी ट्रिक है। एल्डोल बोले तो एल्डिहाइड को कंबाइन करेंगे, बेंजोइन बोले तो बेंजाल्डिहाइड को कंबाइन करेंगे। देखो कैसे कंबाइन करते हैं, हमने बता दिया। कभी कभी ये घुमा देते हैं, वो कहेंगे एसीटाल्डिहाइड कन्वर्टेड 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, प्रोडक्ट का नेम याद कर लो। वैसे कभी कभी वो लिख देंगे एथेनॉल, एथेनॉल आईयूपीएसी नेम दे देंगे, एथेनॉल कन्वर्टेड 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल कब होगा, जब हम क्या लेंगे, एसीटाल्डिहाइड। इसका ये वन एग्जाम्पल है। अब इसका एक नंबर में आए तो एक एग्जांपल लिखेंगे, दो अंक में आए तो दो लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल समझो, इसी का दूसरा एग्जांपल समझो, एसीटोन लेके, एसीटोन लेके अब बता रहे हैं हम, ध्यान दो बेटा, एसीटोन लेके, एसीटोन भी ले सकते हो, CH3CH3CO। यूपी बोर्ड में एल्डोल कंडेंसेशन का दूसरा एग्जाम्पल घुमा के आया था, कैसे आया था उसने, एसीटोन ना कह के प्रोपेनॉन टू कहा था, प्रोपेनॉन टू। कन्वर्जन में पूछा था यही एल्डोल कंडेंसेशन, नेम रिएक्शन जो होती है वो कन्वर्जन और भाट हैपेंस में भी आ सकती हैं, इसीलिए प्रोडक्ट पे ध्यान रखना। एसीटोन के टू मॉलिक्यूल कंबाइन कर दें, एसीटोन को प्रोपेनॉन टू कहते हैं, डायल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डायल्यूट NaOH की प्रेजेंस, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एच इधर आता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो क्या बनता है, CH3CH3OH CH2COCH3। ये था, ये भी एल्डोल है, ये एल्डोल है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो आईयूपीएसी नेम हम क्या करते हैं, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो देखो 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे, हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। आईयूपीएसी नेम देखो बेटा ध्यान से, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथायल 4 मिथायल 4 मिथायल पेंटेनॉन 2। यूपी बोर्ड में ऐसा आया था, प्रोपेनॉन टू कन्वर्टेड 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथायल पेंटेनॉन 2। बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे भी पूछ सकते। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन तो सब रटे रहते हैं, लेकिन ये नीचे वाले नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको नीचे वाले नामों पर ध्यान देना है। तो यहाँ दो कन्वर्जन भी तैयार करा दिए हमने, ध्यान रखना, दो कन्वर्जन हो गए और साथ में एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, सुपर है। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी भी, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब आते हैं बेंजोइन संघनन, कंडेंसेशन को संघनन भी बोलते हैं। अब हम बेंजोइन कंडेंसेशन आपको बताने जा रहे हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड, बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजाल्डिहाइड। लॉजिक सिंपल है बेटा, हमारा बेंजाल्डिहाइड को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर जिन्हें फॉर्मूला नहीं आते बेटा तो गड़बड़ा खेल खार। बेंजाल्डिहाइड अगर फॉर्मूला नहीं आते हैं तो वो फिर फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे। ये बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला है, बेंजाल्डिहाइड एक को उल्टा करके लिख लेते हैं, बेंजाल्डिहाइड को एक्वास केसीएन। तो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बिल्कुल वैसे ही करना, कंडेंसेशन ऐसे सिस्टम चलेगा, ये वाला एच निकल के यहां जाएगा और बनने वाला कंपाउंड बेंजोइन होगा। बनने कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं बेटो, जहां बनने वाला कंपाउंड बेंजोइन, तो यहाँ बेंजोइन, तभी तो जाको नाम रखोगा बेंजोइन कंडेंसेशन। वहां एल्डोल बनता था सो एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन बन रहा है तो बेंजोइन कंडेंसेशन, है ना। दोनों सिंपल रिएक्शन बिल्कुल बुढ़ापे तक याद रहेंगी। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड जोड़ दो, बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजाल्डिहाइड जोड़ दो, माने एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड कंबाइन कर दो, बेंजोइन में बेंजाल्डिहाइड कंबाइन कर दो। आगे इसी से जुड़ा एक लॉजिक है, देखो स्क्रीनशॉट इसकी भी ले लो।
अब देखना आगे का लॉजिक, क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन, क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन। अब देखो क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन है तो जहां में दो साइंटिस्ट दो बार देंगे, क्लेजन भी है और सीमेंट भी है। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड लिया, बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजाल्डिहाइड लिया, तो जहां में दोनों ले लो अलग अलग, हम सेम लिए थे, इसमें वन मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड और वन मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, लो वन मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड और वन मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, है ना सिंपल लॉजिक, नाम में ही छिपा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड, बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजाल्डिहाइड, और जहां में एक बेंजाल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड, प्रेजेंस डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH कैसे होगा इसमें, उसमें सेम मॉलिक्यूल थे, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, H2O। ऐसे याद कर लो कि सेम मॉलिक्यूल है तो वाटर नहीं निकालेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो वाटर निकाल देंगे, सीधा लॉजिक। जब सेम मॉलिक्यूल कंबाइन करो तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं करेंगे, और जब डिफरेंट करें तो रिमूव करेंगे, तो इसका H2O रिमूव कर दिया। तो अभी तक सिंगल बॉन्ड से अटैच होता था, अब डबल बॉन्ड से अटैच होगा, अब डबल बॉन्ड से होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH। अब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड बनता था, अब डबल बॉन्ड बनेगा CHO। बनने वाला नेम क्या होगा, इसका नेम होगा जे फंक्शनल ग्रुप है, जे अल्फा कार्बन है, जे बीटा कार्बन है, तो नेम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड माना डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। वैसे सिन्नी बांट दे, सिन्नी बांट नहीं प्रसाद नाम, इसका दूसरा नेम याद करना कठिन होता तो लॉजिक बना दिया हमने, सिन्नी बांट दे प्रसाद बांट दे, सिन्नेमैल्डिहाइड सिन्नेमैल्डिहाइड सिन्नेमैल्डिहाइड, कौन सी हाइड, सिन्नेमैल्डिहाइड सिन्नेमैल्डिहाइड, सिन्नी बांट दो सिन्नेमैल्डिहाइड। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है बेंजाल्डिहाइड से सिन्नेमैल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड से सिन्नेमैल्डिहाइड। अब देखो परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन में ट्रिक है, परके बीए नहीं होगी बेटो, परके बीए नहीं, पहले क्या होता परे रास्ते से था नकल करके पास हो जाते थे, अब नहीं हो पाओगे, अब ट्रिक याद कर लो, परके बीए नहीं, जे रिएक्शन बहुत आती बेटा, धांसु है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जे ही सबसे सिंपल कर दी हमने, क्या लॉजिक है, परकिन रिएक्शन आ जाए तो परके बीए नहीं, बी फोर बेंजाल्डिहाइड, बी फोर बेंजाल्डिहाइड, बी फोर बेंजाल्डिहाइड, लेली बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड बोले तो CH3, एनहाइड्राइड बोले दो CO साहब O से जुड़े हैं, जब भी एनहाइड्राइड वर्ड्स आए, एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड, कुछ लॉजिक होते हैं फॉर्मूला लर्न रखने के, जब भी केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड आए तो दो CO साहब, एक CO साहब ऊपर एक नीचे O से जुड़ जाएंगे, दो CO साहब O से जुड़े हों, एसिटिक एनहाइड्राइड, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस रहती है, ये तीनों चीजें लॉजिक में हैं। कैसे देखियो, हमने कही परके बीए नहीं होगी, परके बीए नहीं होगी, देखो बी फोर बेंजाल्डिहाइड, ए फोर एसिड एनहाइड्राइड, और एन ए माने सोडियम, ए माने एसिटेट, सोडियम एसिटेट, तीनों लॉजिक में आ गए। इसमें भी डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या रिमूव करोगे, वाटर H2O रिमूव कर दो। ये जो H2O, H2O का यूज होता है तो जो H2O यहाँ निकल रहा है उसका यहीं पे यूज हो जाता है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जो यहाँ H2O रिमूव करेंगे उससे यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो ऊपर का पोर्शन अलग हो जाएगा, नीचे का पोर्शन अलग हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन क्या बचा, CH3 CH3 COOH, एसिटिक एसिड बन जाता है CH3 COOH, एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। देखो ये CH3COO है, H जुड़ेगा यहाँ, जो यहाँ H2O रिमूव हुआ उसका H यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, तो ये यहाँ भी COOH हो जाएगा, यहाँ भी। ध्यान रखना परकिन रिएक्शन में दोनों पार्ट, ऊपर वाला भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे भी COOH में। अब यहाँ पे क्या बचा था, C6H5CH लिख दो, C6H5CH, ये क्या बचा था, C6H5CH, डबल बॉन्ड से कंबाइन कर दो, डबल बॉन्ड CH, और इसमें क्या जुड़ा था CO, और CO से क्या जुड़ गया OH, तो ये एसिड है,
इसका नेम होगा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, बड़ा धमाकेदार है, सिनेमैल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन एक साथ आई थी एक बार। कैसे आई थी? बेंजाल्डिहाइड से सिनेमैल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड। जो नेम रिएक्शन है वो कन्वर्जन में भी आ सकती है, ध्यान रखना, ये टेबल डबल फायदे वाली है। एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन और क्लेडन सिमेंट कंडेंसेशन और परकिन रिएक्शन, फाइव कंडेंसेशन है। एक और बचा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सुपर है, पांचों रिएक्शन इन्हीं में से आ जाएंगे इस साल, गारंटी है। अब आ जाओ आगे, मनिक रिएक्शन या मनिक कंडेंसेशन। इस पहली टेबल में पांच रिएक्शन क्यों रखी है? पांच अंक में पांच रिएक्शन आएंगे या इन नेम रिएक्शन को कन्वर्जन में पूछ देंगे, ठीक है? अगर आपके भाग अच्छे हुए तो इसी टेबल में से आ जाएगा मनिक रिएक्शन। तो मनिक में क्या लेते हैं? एसिटाफिनोन की रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगी, एसिटाफिनोन की रिएक्शन है। एसिटाफिनोन की पूरी केमिस्ट्री में इस साल के लिए एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मनिक रिएक्शन, ठीक है? एसिटाफिनोन, एसिटाफिनोन में क्या होता है? एसिड बोले तो CH3, ऑन बोले तो CO साहब, और फिनो बोले तो C6H5, ये होता है फॉर्मूला। फिर समझो एसिटाफिनोन को फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? केमिस्ट्री में ऑन को मतलब क्या हो? CO साहब। एसिड का मतलब हो CH3, फिनो का मतलब हो C6H5, बन गया एसिटाफिनोन। एसिटाफिनोन को कंडेंस करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और अमोनिया के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया, याद रखना। मनिक रिएक्शन में तीन सबस्टेंस लेते हैं, एसिटाफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, और हीट कर देते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो वाटर रिमूव होगा, तो वाटर रिमूव कैसे होगा? एक एच इधर से आएगा और एक एच इधर से आएगा, तो रिमूव हो गया H2O। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंडेंसेशन करें या कंबाइन करो तो वाटर जरूर निकालियो, इन्हें कंबाइन कर दो, कंबाइन करो तो क्या बनेगा? C6H5 CO CH2 CH2, और इसमें क्या जुड़ गया? NH2, लास्ट में जुड़ गया NH2, मनिक बेस बन गया। मनिक बेस बनने की वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है? मनिक रिएक्शन। मनिक बेस बनने की वजह से मनिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से पहली टेबल कंप्लीट होती है आपके। ये फाइव सुपर नेम रिएक्शन थे, पांच अंक में पांच रिएक्शन आनी है, तो इसमें से गारंटी देते हैं भाग अच्छा हुआ तो कॉजई में से पांचों आ जाए, या तो दो तो मिल ही जाएंगी। हम तो यही मानते हैं दो नहीं मिलेगी, एक तो मिलेगी। पांच टेबल करो, हर में एक एक मानो, पांच टेबलें करेंगे सब में एक एक मानेंगे, वो लक है कि आपको एक ही टेबल में से आ जाए। दूसरी टेबल है रिडक्शन की, टेबल नंबर टू। हमारा मतलब ये है कि कुछ पहली टेबल से रिएक्शन आ जाएंगे, कुछ दूसरे से आ जाएंगे। इस तरीके से ने पांच टेबल मानी है, सीधा प्रिंसिपल है, पांच टेबल है, हर में से एक एक मानेंगे, लक है तो कहो पहले से ही सब आ जाए। देखते हैं रो, ये रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब तो कंडेंसेशन का मतलब कंबाइन होना, और एडिशन माना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मीन्स एडिशन, एडिशन करना है, क्या करना है आपको? एडिशन करना है, किसका? हाइड्रोजन का, एडिशन, हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब एडिशन जो तुम्हारा रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब इसका रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होते हैं, ध्यान रखो, थोड़ा बेसिक याद करो। रिडक्शन का मीन्स क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। सबसे सुपर रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन गैस स्वयं में है, पैलेडियम कैटलिस्ट BS4 पॉइजनस, ये कैटलिस्ट है, ये पॉइजनस है। सेकेंड नंबर पर स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, थर्ड नंबर पर कौन है? सोडियम एंड एथेनॉल, सोडियम एंड पौआ, पौआ याद कर सका, ठीक है, पौआ पी के सो जाओ। तीसरे नंबर पर, ठीक है, सो माने सोडियम, पौआ माने अल्कोहल। फिर उसके बाद है जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl, मरकरी जब किसी में मिली हो तो अमलगम कहलाती है। और लास्ट में हाइड्राजीन, हाइड्राजीन KOH की प्रेजेंस में, KOH, ये सुपर फाइव रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको देखो, हमने कहा सांप के बेले में हाथ डालने हैं तो सांप को मंत्र याद होना चाहिए, नहीं उले उले फिरोगे। ऐसे हमें रिडक्शन की टेबल में अगर हाथ डालना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट याद होने चाहिए, सुपर फाइव रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लो। हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड HCl, सोडियम और एल्कोहल, जिंक अमलगम HCl, हाइड्राजीन KOH, सुपर फाइव रिड्यूसिंग एजेंट जब याद हो जाए तो आप रिडक्शन कर सकते हैं। आ जाओ सबसे सुपर रिडक्शन, रियोजेनोमोन और स्टीफन, बड़ा सुपर है, दो में से एक आ जाए। हमने इसमें पांच रिएक्शन रखे हैं, जो सबसे सुपर है वो ऊपर रखे हैं। सबसे पहले हमने कौन सा कर रखा है? रोजेनमोन, रोजमंडा दे दे,
तो याद रहेगा रोजेन मोन रिडक्शन, ठीक है। रोज मंडा किनके पढ़ रहे हैं, एसिड क्लोराइड पे, किस पे याद कर लो, एसिड क्लोराइड पे रोज मंडा पढ़ते हैं। एसिड क्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, जब मुंडा पढ़ेंगे तो बाल झड़ जाएंगे, तो ध्यान रखो एसिड क्लोराइड। एसिड का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, RCOH, RCOH एसिड का फॉर्मूला है, OH हटा के Cl जोड़ दो तो ये एसिड क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन गैस पास करोगे, ये एसिड क्लोराइड को हम हॉट जायलीन में डिजोल्व कर लेते हैं, हॉट जायलीन में डिजोल्व कर लोगे, एसिड क्लोराइड को हॉट जायलीन में डिजोल्व कर लेते हैं। काय की प्रेजेंस में पैलेडियम कैटलिस्ट BSO4 पॉइजन पॉइजन का कार्य करता है, ये रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, Cl को हटा दो, तो ये एसिड क्लोराइड काय में कन्वर्ट हो जाता है LDHD में, है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है बेटा, गौर करके देख लो LDHD बन गई, कुछ नहीं करना है, मुंडा दे दिया Cl बच गई, H जोड़ दिया, सीधी बात है, Cl को हटा क्या एच। लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है अभी हम ये बता दें तुम्हें, कुछ स्टूडेंट हमेशा नेम रिएक्शन की लैंग्वेज किताब से, नोट से या कुंजी से याद करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी लैंग्वेज बनाओ तो इक्वेशन से बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ध्यान से देख लियो एक रिएक्शन में कैसे बनाते हैं, सब में फिर वैसे ही बनाना है, देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहां से उठाओ, मान लो हमें रोजन मंड की लैंग्वेज लिखना है, क्या लिखोगे, एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4 to give aldehyde, this reaction is called Rosenmund reduction। एक बार फिर देख लो, left to right जाएंगे सभी, सभी में ऐसे लिखा करो, acid chloride react with hydrogen in the presence of palladium BSO4 to give aldehyde, this reaction is called Rosenmund reduction। अब आ जाओ स्टीफन, स्टीफन में कैसे लॉजिक बनाओगे, देखो स्टे लगी है, स्टे कब लगाते अपन, जब काम किसी का रुकवाना हो, काम चल रहा हो स्टे लगा दो काम रुक जाता है, ठीक है। स्टे से एक तो बात याद रखना, एक ही माने यहाँ काम रोकना है, दूसरे स्टे से हमें याद रहेगा स्टेनस क्लोराइड, माने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन लिया जाएगा, स्टेनस क्लोराइड लिया जाएगा, एक बात पता चल गई। एस से हमें एक बात और याद रहेगी साइनाइड, S4 याद रहेगा साइनाइड, यहाँ साइनाइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे साइनाइड, साइनाइड होता है C-NN, यहां एल्काइल साइनाइड ले लेते हैं, एल्काइल साइनाइड, ध्यान रखो स्टीफन में जो एस दिख रहा है, इस एस से हम मतलब निकालेंगे क्या, साइनाइड का रिडक्शन कराना है, स्टे से याद रखेंगे स्टेनस क्लोराइड के द्वारा कराएंगे, स्टेनस क्लोराइड के द्वारा कराएंगे, दो लॉजिक बन गए, देखो नाम में हिडन कर लो भैया, S4 साइनाइड, S4 स्टेनस क्लोराइड, और रिडक्शन माने हाइड्रोजन, लो तीनों बातें आ गई, रिडक्शन करना है। अब चूंकि स्टे लगी थी तो हमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं करेंगे, पार्शियल रिडक्शन करेंगे, केवल ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, जब ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमने पार्शियल रिडक्शन किया है, क्यों स्टे लगी थी, तो तुमने देखा जी एल्डिमीन में कन्वर्ट हो गया, एल्डिमीन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिमीन बैलेंस कर दो, 2H लगेंगे, एक इधर लगा था एक उधर, तो साइनाइड का रिडक्शन हमने कर दिया, फिर इसे वाटर के साथ बॉयल कर देते हैं, जैसे ही वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो वाटर के साथ बॉयल करने से ये अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, काय में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बनाने की मेथड थे, दोनों एल्डिहाइड बनाने की मेथड थे। अब यहां हम आगे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, R की वैल्यू रखियो, R की वैल्यू यहाँ CH3 भी ले लेना और C6H5 भी ले लेना, दो दो एग्जांपल कर लेना, जब CH3 लोगे तो एसिटाइल्डिहाइड बनेगी और C6H5 लोगे तो बेंजाइल्डिहाइड बनेगी, यहाँ दो दो एग्जांपल कर देना एसिटाइल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगी, R यहाँ CH3 लोगे तो एसिटाइल्डिहाइड और C6H5 लोगे बेंजाइल्डिहाइड, दो दो एग्जांपल कर लेंगे। तो ये रोजेनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन अच्छे से याद कर लियो, बहुत सुपर है नेम रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, अब आगे बढ़ते हैं मेंडियास और क्लीमेंसन रिडक्शन, मेंडियास और क्लीमेंसन रिडक्शन देखें, इसमें भी देखो लास्ट में एस है मेंडियास, तो इसमें भी साइनाइड लेते हैं, ध्यान रखो उसमें आगे से एस थी जहां पीछे है साइनाइड, इसमें भी एल्काइल, दोनों एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन है, ध्यान रखो एल्काइल साइनाइड, स्टीफन और मेंडियास, मेंडियास
यहां से लो, साइनाइड का रिडक्शन सोडियम द्वारा भैया, साइनाइड का रिडक्शन किसके द्वारा, यहां से लॉजिक बनाओ, साइनाइड का रिडक्शन सोडियम द्वारा, ठीक है। और सोडियम होगी तो एथेनॉल तो आएगा यार, ये तो याद ही आ जाएगा। रिडक्शन है तो हमें हाइड्रोजन अटैच करना है, या कंप्लीट रिडक्शन करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन। ऊपर वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर दोगे इसमें, उसमें केवल ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करते थे, इसमें नीचे वाला भी कर दोगे, क्यों, पार्शियल रिडक्शन था, ये कंप्लीट रिडक्शन है। तो दो एच ऊपर जुड़ेंगे, दो एच नीचे जुड़ेंगे, जी एच जुड़ रहे हैं, देखियो ध्यान से बेटा, ठीक है, नहीं और कुछ समझने लगा तो एच क्या कितने लगे, फोर, ठीक है। ये बन गया क्या, प्राइमरी इमायन, प्राइमरी इमायन बन गई है, कौन सी इमायन, प्राइमरी इमायन, प्राइमरी इमायन मैंडी एस से क्या बनता है, प्राइमरी इमायन। आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू सी एस थ्री रख लो, सी टू एच फाइव, दो दो एग्जाम्पल करते रहना सबके। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है, क्लीमेंसन, क्ली बोले तो कार्बोनिल, क्ली बोले तो कार्बोनाइल ग्रुप ले लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन कर देते हैं। क्लीमेंसन, क्ली बोले तो कार्बोनिल, लॉजिक बना लो, क्ली बोले तो कार्बोनिल, क्या होता है नेम रिएक्शन को, क्या होता है नाम जैसे आए तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जल जाए किस कंपाउंड की रिएक्शन है, तो है। और ये हमने कही वन शॉट लेक्चर है, इसीलिए इसमें बेसिक ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं बनाई जा रही है, सीधी सड़क पट्टी चल रही है, इसीलिए ये चूंकि बोर्ड एग्जाम्पल को पास है इसीलिए आपको तेजी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देते रहें। क्ली बोले तो कार्बोनिल का रिडक्शन करेंगे, मेंशन है देखो यहाँ, मेंशन मरकरी, मेंशन क्ली से कार्बोनिल, मेंशन से मरकरी, और मरकरी लेंगे तो अमलगम बनेगा, जिंक अमलगम HCl, ध्यान रखना जिंक अमलगम HCl, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे, जिंक अमलगम HCl, रिड्यूसिंग एजेंट हमने पहले ही याद कराया था इतेजाई के मारे, ठीक है, जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl, लॉजिक फिर सुन लो, क्ली से कार्बोनिल याद रहेगा, मेंशन से मरकरी याद रहेगा, मरकरी बोले तो अमलगम, जिंक अमलगम HCl, रिडक्शन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन, क्या बन जाएगा, किसका प्रिपरेशन हो गया, एल्केन, तो इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन में। अब कार्बोनाइल ग्रुप में जो बैलेंसी फ्री थी, हम यहाँ एग्जाम्पल कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक एच ले लें, एक सी एस थ्री ले लें, तो ये हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड, और इसका रिडक्शन कर दें, एच कितने लगे थे, फोर लगते हैं यहाँ, दो ऑक्सीजन को निकालने में लगते हैं और दो हाइड्रोजन जुड़ने में लगते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, सी एस थ्री, यहाँ बन जाएगा एथेन, एथेन बन जाएगा। अगर हम दोनों में एच ले लेते यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में एच ले लेते तो यहाँ मैथेन बन जाता, हम दोनों में एच भी जोड़ सकते हैं, दोनों में सी एस थ्री भी जोड़ सकते हैं, अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, जो जोड़ेंगे वो यहाँ जुड़ा रहेगा। ये था आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लेना, आगे देखो रिडक्शन और रह गया एक, लास्ट रिडक्शन, लास्ट रिडक्शन कौन सा है, बॉल फागर या किसनर, किसनर बोले तो कार्बोनिल, किसनर से बता लो कार्बोनिल, इसका भी रिडक्शन करना है, ये किसके द्वारा होता है, हाइड्राजीन द्वारा, ध्यान रखें ये हाइड्राजीन, लास्ट वाला बताया था ना, हाइड्राजीन द्वारा रिडक्शन होता है। क्ली क्ली बोले, क्ली में देना बॉल्फ किसनर, बॉल्फ किसनर, किसनर बोले तो कार्बोनाइल, किसनर बोले तो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का रिडक्शन हाइड्राजीन द्वारा, हाइड्राजीन, 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 हाइड्राजीन के द्वारा होता है हाइड्राजीन, और के ओ एच की प्रेजेंस में होता है। किसनर बोले तो के ओ एच, के फोर के ओ एच, ध्यान रखना यहाँ के, किसनर में के है तो के ओ एच, के ओ एच, कार्बोनाइल के ओ एच, किसनर से कार्बोनाइल और के ओ एच, हाइड्राजीन, तो ये एच टू ओ रिमूव कर देंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, एन टू रिमूव हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, एच टू ओ रिमूव हो जाएगी, एन टू रिमूव हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। वही बात एग्जाम्पल कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ दोनों पे हम एच भी ले सकते हैं, जब एच लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों में एच लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन एनएच टू एनएच टू, केओएच की प्रेजेंस, और ये बन जाएगा क्या, मेथेन, मेथेन बन जाएगा। ये हो गया आपका रिडक्शन की टेबल, स्क्रीनशॉट ले ले, दो टेबल कंप्लीट, तीसरी सुपर टेबल कार्बोक्जिलिक एसिड, सावधान हो जाएं, ये दोनों टेबल, एक टेबल थी कंडेंसेशन,
जिसमें आप कंबाइन करते थे, सेम मॉलिक्यूल थे तो वाटर रिमूव नहीं करते थे, डिफरेंट होते थे तो वाटर रिमूव करते थे। फिर रिडक्शन में देखा पांचों में अपन हाइड्रोजन जोड़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एक एक टॉपिक उठा के चल रहे हैं, टेबल सिस्टम से ही नेम रिएक्शन होती है, टेबल और ट्रिक, जो टेबल और ट्रिक चल रही है इससे पढ़ते जाओ, आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा फॉर्मूला याद कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। सबसे पहला एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, दूसरा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसमें से हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, बाकी दो आप तुम करोगे। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड तुम लोगे, CH3 जोड़ देते हैं तो एसिटिक एसिड हो जाता है, और C6H5 जोड़ दें तो बेंजोइक एसिड हो जाता है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब जैसे मान लो ये आपकी HVZ रिएक्शन, बड़ी सुपर है। H माने हेल, V माने बोलार्ड और Z माने जेलेंस्की। यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेलेंस्की हैं भाई, याद कर लियो, याद रहेगा भाई, जेलेंस्की आ गए हैं तुम्हारे। लेकिन कैसे हैं, हेल हैं, वैसे उनकी नरक बन गई, हेल माने नरक भी तो होता है, हैं रसिया मिलका दे रहा है। तो हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल से याद रहेगा हेलोजनेशन करना है, किसका हेलोजनेशन करना, हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ले लेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखो टेबल से ये हमें याद रहता है हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हमें टेबल में पता है इसमें सब में कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड, तो हमने एसिटिक एसिड ले लिया। अब हेल है, हेल का मतलब हेलोजनेशन कर दो, हेलोजन ले लिया हमने, क्लोरीन एक प्रकार का क्या हेलोजन है, हेलोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक ये याद रखना है, काई प्रेजेंस में। हेलोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2COOH Cl जुड़ गया, ये बन गया मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। बहुत सिंपल है ना, देखो नाम जाको बहुत डेंजर है, रिएक्शन सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखियो HVZ रिएक्शन को मतलब हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो यहीं से लॉजिक बना दो कि हेलोजनेशन करना है, किसका करना है, एसिटिक एसिड का। हेलोजनेशन का मींस, हेलोजनेशन का मींस क्या होता है, हेलोजनेशन का मींस होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन, तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, तो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड बन गया। अब इसमें हम फिर से अटैक करा दें फर्दर रिएक्शन, तो फिर एक एच रिमूव हो जाएगा, अब डाइक्लोरोएसिटिक एसिड हो जाएगा, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिर एक बार और करा दो, फिर HCl रिमूव हो जाएगा, तो ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हो गए कंप्लीट। कौन सी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, तीन बार करने हैं HVZ, थ्री वर्ड्स हैं याद कर लो। तो ये हेल बोलार्ड जेलेंस्की की रिएक्शन तो आप कर ही सकते हो, लैंग्वेज बनाना तो कैसे लिखोगे, देखो एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव ए मिक्सचर मोनोडाइट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। तो लैंग्वेज कहाँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से चलो राइट तक चले जाओ सीधे सीधे। अच्छा कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन और घुमा के पूछ देते हैं कि बेटा ये बताइए कि जो कुछ एसिड हैं, जैसे देखियो जैसे आपका है एसिटिक एसिड है CH3COOH, फिर आपका जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, फिर आपको मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड है मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, या आपका डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है या आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, तो इनमें सबसे ज्यादा हाई एसिडिक कौन होगा। जैसे दे देंगे इनमें दो नंबर में को आप पूछ लें, आप कैसे पता लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगाओगे बेटो, तो आज जाको एक प्रिंसिपल होत है, का प्रिंसिपल होत, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होएगो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होएगी, और जब माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होएगो तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ध्यान रखना माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होने से एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, याद कर ले। एसिड स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होती है, जब माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, और जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, याद कर लो। कब डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने से एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होने से एसिड
स्ट्रेंथ इंक्रीज, क्या हम इसको साफ साफ और लिखे देते हैं? जा तुम समझ लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ से हम साफ लिखे दे रहे लो। ऐसे स्ट्रेंथ के दो प्रिंसिपल हैं, एक है प्लस आई इफेक्ट और एक है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होएगो, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ठीक। और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होएगा तो एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये प्रिंसिपल याद कर ले, प्रिंसिपल पर सुन लो, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज है तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब देखो ये तो, अब प्लस आई वाले कौन कौन से हो, प्लस आई वाले होते हैं CH3 और C2H5, और माइनस वाले कौन होते हैं, माइनस वाले होते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, जे माइनस आई वाले होते हैं, आई जे माइनस आई वाले हैं। तो ये देखो, अब देखो, अब गौर करिए, जे प्लस वाले हैं जे माइनस वाले हैं, छोटे क्लासों में ये बातें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर प्लस आई है, CH3 समूह प्लस आई है, तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इसकी एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, जे इज लेस देन हो गई। एसिटिक एसिड जो बीक एसिड वहां है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लो क्वेश्चन हो गया, एसिटिक एसिड जो बीक एसिड वहां है प्लस आई इफेक्ट, CH3 में जो जुड़ा है वो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये कैसा हो जाता है, बीक एसिड हो जाता है। अब इसमें देखो ये Cl माइनस आई इफेक्ट वाला है, माइनस आई इफेक्ट जब में माइनस आई इफेक्ट है, ये डबल माइनस आई इफेक्ट है, या माइनस आई इफेक्ट है, या टू टाइम्स हो गया, इसमें थ्री टाइम्स हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में थ्री टाइम्स है, तो सबसे हाई एसिडिक कौन होगा, तुम देख रहे हो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे हाई एसिडिक होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक सबसे हाई होगा। फॉर्मिक एसिड में ना प्लस आई इफेक्ट है ना माइनस है, तो ये बीच में होगा, तो सबसे वीक एसिड कौन है, एसिटिक एसिड, सबसे हाई एसिडिक कौन है, क्लोरोएस्टिक, क्लोरोएस्टिक एसिड हाई एसिडिक होते हैं, एस्टिक एसिड बीक एसिड होता है, और ये मिडिल में बीच में होता है ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और ट्राई क्लोरोएस्टिक में, इन क्लोरोएस्टिक एसिड में देखो तो सबसे हाई ट्राई होगा, मोनो से डाई, डाई से ट्राई, ये सबसे ज्यादा होगा, क्यों, इसमें थ्री टाइम्स Cl है, तीन Cl जुड़े हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ दो क्वेश्चन हो गए, एक तो HBZ रिएक्शन हो गई, साथ में हमने तुम्हें एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बताया है, ध्यान रखना माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी। चलो आ गया, अब है एस्टिफिकेशन, शॉर्ट नोट्स कई बार आ जाता है एस्टिफिकेशन, और एसिटिक एसिड से इथाइल एसिटेट पूछा जाए तो भी ये लिख देंगे, एस्टिफिकेशन लेंगे तो क्या ले लेंगे, देखो समझियो, ईस्टर का प्रिपरेशन एस्टिफिकेशन, एस्टिफिकेशन में खुद बोल रहा है ईस्टर का प्रिपरेशन करेंगे, तो देखो कैसे बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, एसिड और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल को कंबाइन कर दें, एसिड और एल्कोहल जब कंबाइन हो जाते हैं काई की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4, रिवर्स रिएक्शन है, तो इसका OH और इसका H वाटर रिमूव हो जाता है और ईस्टर का प्रिपरेशन हो जाता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ईस्टर का प्रिपरेशन होता है, सो इसका नेम क्या रख दिया गया, एस्टिफिकेशन। अब इसके दो एग्जाम्पल कर सकते हो, एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, जैसे R की वैल्यू हमने ले ली CH3, तो ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखियो, एथेनोइक एसिड। अब इस पे हमने एल्कोहल ले लिया, कौन सा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल ले लिया ठीक है, R की वैल्यू पुट कर दी हमने, R की वैल्यू हम CH3 भी ले सकते हैं और R की वैल्यू हम C2H5 भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, हमने यहाँ डिफरेंट लिए, तो यहाँ काय का प्रिपरेशन हो गया, CH3COOC2H5, इथाइल एसिटेट, जो जो इथाइल ग्रुप है जो एसिटेट ग्रुप है, इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, देखो यहाँ R की वैल्यू CH3, यहाँ R की वैल्यू C2H5, तो जे HOH को हमने रिमूव कर दिया है, HOH रिमूव हो गया है, HOH इथाइल एसिटेट। जो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एसिटिक एसिड को काय में कन्वर्ट करो, इथाइल एसिटेट में, एस्टिफिकेशन, स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखो सिमेट और होन्सडीकर, सिमेट रिएक्शन और होन्सडीकर रिएक्शन,
नाम में देखिए सिमट जाते हैं, सिमटना माने कहा सिकुड़ जाना, ठीक है। किसी के जोंक चिपक जाए, लॉजिक सुनियो, किसी व्यक्ति के जोंक चिपक जाए तो वो भी सिकुड़ जाता है, क्योंकि जोंक रक्त को ब्लड को चूस लेती है। तो जब लॉजिक याद रखियो कि आदमी कब सिमटेगा, जब उसके जोंक चिपक जाए। तो जोंक से यहाँ याद रहेगा हाइड्राजोइक एसिड, इसमें रिएजेंट कौन आता है, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड एक ही जगह यूज होता है। सिमेट तब सिमटेगा जब जोंक चिपकेगी, हाइड्राजोइक एसिड। तो ये एसिड की रिएक्शन है RC OH, इसमें हाइड्राजोइक एसिड डाल दिया N3H, N3H अमोनिया जैसा सूत्र होता है, अमोनिया में NH3 होता है, इसमें N3H होता है। कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा लॉजिक याद कर लो, लॉजिक से याद कर लो थोड़ा। अमोनिया जैसा होता है N3H, हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो N3H, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। तो अब देखो CCl4, CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है, CCl4 कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, यहाँ CCl4 ले लो, है ये सॉल्वेंट है, तो यहाँ CO2 रिमूव हो जाती है, क्या रिमूव हो जाती है, CO2। यहां से डिकार्बोक्सिलेशन स्टार्ट हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन स्टार्ट हो जाता है यहां से। सिमेट रिएक्शन में, यहां ध्यान रखो, सिमेट रिएक्शन में सिमटना है तो सिमटेगा कब, जब जब CO2 निकला हो तो ये सिमट गया, जहां से N2 निकाल दो तो ये सिमट गया। भाई दोनों कंपाउंड से कोई चीज निकालोगे तभी तो सिमटेगी, तो यहां से CO2 रिमूव कर दो, यहां से N2 रिमूव कर दो, सीधी बात है, सिमट CO2 प्लस N2। अब बचा क्या, जोड़ दो, बचा अपना RNH2। एमाइन की प्रिपरेशन है, प्राइमरी एमाइन का प्रिपरेशन हो गया, प्रोडक्ट क्या बनता है सिमट में, एमाइन। पूछ लेते हैं सिमट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एमाइन। आर की वैल्यू रख दो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C6H5 ले सकते हो, इनके एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल भी आ जाते हैं कभी कभी। अब आगे देखो, हंसे डी का रिएक्शन, यहां प्रेजेंस थोड़ी चेंज कर लो, यहां H2SO4 कर लेना, चलो आगे देखो, हंसे डी का रिएक्शन, नाम ही में छिपा है अर्थ, बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है हंसे डी का, कैसे लॉजिक बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो हंस हेलोजन, हंस का याद रहा है हेलोजन, एस हंस, एस सिल्वर सॉल्ट, डीकर डिकार्बोक्सिलेशन, तीन बातें छिपी हैं यहां में, हंस हेलोजन, लास्ट में एस आ रही तो सिल्वर सॉल्ट, किसका सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और डीकर माना डिकार्बोक्सिलेशन। यहां सिमेट रिएक्शन से डिकार्बोक्सिलेशन स्टार्ट हो गया है, देखो हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, याद कैसे रहेगा, हमने लॉजिक बताया था, लॉजिक फिट करके चलिए। देखो हंस, तो हंस से दो, हंस माने हेलोजन और सिल्वर सॉल्ट, हेलोजन लेना है और सिल्वर सॉल्ट लेना है, हेलोजन ले लिया हमने, सिल्वर सॉल्ट ले लिया, डिकार्बोक्सिलेशन करना है, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन करना है, डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ CCl4 की प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, CO2 रिमूव कर दो, CO2 रिमूव करो तो AgCl, RCl, पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव से अटैच हो जाता, RCl, AgCl और प्लस CO2, बन गया एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड। R की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू यही रखेंगे, आंसर डी का सिंपल है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, दो और रह गए, ड्यूमा और कोलबे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलबे, कोलबे कई बार आई है, और ड्यूमा यूजफुल रिएक्शन है, इनडायरेक्टली यूज होती है कई रिएक्शन में, कैसे याद रखोगे, देखो ड्यूमा में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट लेते हैं, इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डबल मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ, किसके साथ, 11th की रिएक्शन है भैया ये, सोडा लाइम, सोडा लाइम। इस रिएक्शन का यूज कब करते हैं, ड्यूमा का, कार्बन को ड्यूमा बोले तो डिक्रीज, ड्यूमा बोले डिक्रीज, जब कार्बन को डिक्रीज करना हो, जब हमें कहीं कार्बन को डिक्रीज करना होता है तब हम इस ड्यूमा रिएक्शन का यूज करते हैं। कन्वर्जन अभी पढ़ाएंगे, तो कन्वर्जन में क्या होता है, ड्यूमा रिएक्शन का बहुत यूज होता है। ध्यान रखो ड्यूमा रिएक्शन सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाट सोडा लाइम, NaOH CO का मिश्रण, सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम बोले तो CO, इसे हीट कर देते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कैसे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, देखो ये इतना पोर्शन रिमूव हो जाता है Na2CO3, R कनेक्ट हो जाता है S से, R सिंगल बॉन्ड H प्लस Na2CO3, Na2 ये बन गया, एल्केन की प्रिपरेशन है, इन दोनों में एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लैंग्वेज वही तरीका है, लेफ्ट टू राइट, क्या कहोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम टू गिव एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ड्यूमा रिएक्शन। कोलवे में क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे सोडियम सॉल्ट को, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कायम है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिसॉल्व कर लेंगे वाटर में, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगी। तुमने देखा उस सिमिट रिएक्शन से हम बार बार CO2 रिमूव कर रहे हैं, टेबल का यही तो फायदा है, टेबल का फायदा तो एक दिया कि सब में एसिड चल रहा है, टेबल का दूसरा फायदा सब में CO2 रिमूव हो रही है, तो ये बातें याद बनी रहती हैं। तो CO2 रिमूव कर दिया हमने देखो, और Na को कैसे जोड़ दिया, OS से, का Na पॉजिटिव होता है, बेचारी बची H2 से अलग कर दिया, RR कनेक्ट हो गए, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2 लो हो गई तैयार, कौन से, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल है। तो ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये टेबल पूरी हो गई, इस प्रकार आपकी 3 टेबल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ जुड़े रहे, बड़ा लेक्चर है। अब आ जाओ बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन देखते हैं, सुपर बेंजीन की रिएक्शन है, कौन कौन, टेबल नंबर अगली आ गई है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन और गाटरमान कोच और गाटरमान एल्डिहाइड, ये 4 रिएक्शन है यहाँ एक साथ, गाटरमान एल्डिहाइड एटार्ट रिएक्शन, ठीक है, देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। जामे इस टेबल से कुछ कॉमन बातें हैं कि इसमें सब में बेंजीन आएगी, ये 4 रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें बेंजीन आएगी, कौन कौन से हैं 4 याद रख लो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, गाटरमान कोच, गाटरमान एल्डिहाइड। इन 4 रिएक्शन में बहुत सारी बातें कॉमन है, सुन लो क्या है, पहली बात तो इसका सबस्ट्रेट कॉमन है, सभी में बेंजीन लेंगे, दूसरा इसमें सब में प्रेजेंस AlCl3 लेंगे, लॉजिक बना लो अल्लाह के कर लो, AlCl3 कैसे अल्लाह कर लो, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस AlCl3। अब रिएक्शन को ध्यान से देखना, जो छोटे छोटे लॉजिक और ट्रिक बताएं उन पर ध्यान देना तो याद रहेगी रिएक्शन। अब जैसे जो है फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नेम है, फ्रीडल क्राफ्ट, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन रिएक्शन के लिए, नाम में ही छिपा है एल्किलेशन, रिएक्शन के नेम में बहुत सारा छिपा रहता है, थोड़ा उसको देखा करो, हमने ये तो तुम्हें बता ही दिया कि ये दोनों रिएक्शन काय की हैं, बेंजीन की हैं, तो बेंजीन लिख लो पहले, लिख लिया बेंजीन। अब एल्किलेशन अलग है, एसिलेशन अलग है, एल्किलेशन में हम क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे RX, एसिलेशन में हम एसाइल हैलाइड लेते हैं RCOX, एल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड, लॉजिक से चलते हैं, देखो एल्किलेशन का है तो एल्काइल हैलाइड ले लो, एसिलेशन का है तो एसाइल हैलाइड ले लो, दोनों में कॉमन बात सबस्ट्रेट कॉमन है, बेंजीन, बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। अब देखो ये बात तो हमें पता चल गई थी एडिंग से, अब हमने बताई थी इसमें कॉमन बात क्या है, दोनों में एनहाइड्रस अल्लाह के कल्लू हैं, अल्लाह के कल्लू हैं दोनों में, अल्लाह के कल्लू कैसे हैं, एनहाइड्रस हैं, एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें जल ना होना, वाटर ना होना, ड्राई होना, निर्जल बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन बात है। अब देखना गौर करके, इसमें बेंजीन है तो प्रत्येक कोने पर क्या होगा, CH क्या होगा, तो अब क्या होता है, इसका H इसके X से बाहर हो जाता है HX, इसका भी देखो क्या हो जाएगा HX माइनस HX, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है
वो यहाँ अटैच हो जाएगा, इसमें एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एसाइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव किया तो एल्किलेशन, एसाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिप्लेस किया एसिलेशन, COR, COR। तो ये एल्काइल बेंजीन का प्रिपरेशन होगा यहाँ, एल्काइल बेंजीन, और ये कौन सी बेंजीन हो जाएगी एसाइल बेंजीन। अब R की वैल्यू चेंज कर दो, अगर हम R की वैल्यू सी एस थ्री रखें, देखना हम R की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, गौर करियो R की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम। अगर हम R की वैल्यू यहाँ चेंज कर दें, R की वैल्यू सी एस थ्री ले लें हम, तो क्या होगा, हम यहाँ R की जगह सी एस थ्री ले सकते हैं। तो फिर यहाँ सी एस थ्री लेंगे तो यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा सी एस थ्री, और यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा सी एस थ्री, तो जो हो जाएगा एस टॉलुइन, और जो हो जाएगा एसिटाफेनोन। यहाँ पे टॉलुइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉलुइन, और यहाँ पे हो जाएगा एसिटाफेनोन। नेम चेंज हो जाएंगे, जो टुल्लू बन गए टॉलुइन, और जो एसिटाफेनोन बन गया। एसिटाफेनोन एक कीटोन होता है, एसिटाफेनोन क्या होता है, एसिटाफेनोन एक कीटोन होता है, तो तुमने देखा ही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो गाटरमान कोच और गाटरमान एल्डिहाइड, कोच लगी है तो लॉजिक बना लो, कोच लगी है ना लॉजिक बना लो भैया, कोच को अकल, कोच बोले तो क्या को अकल, को अकल, कोच बोले तो को अकल, प्रेजेंस वही रहेंगे अल्लाह के कल्लो, और बेंजीन तो रहने ही, हम बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6 करके भी लिख सकते हैं, ऐसा ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है देखो, बहुत सिंपल बात है, कोच है ना, तो कोच को जोड़ दो सी ओ एच, इस कोच को जाना जोड़ दो, एच निकाल दो सी एल से, एच सी एल, एच सी एल निकाल दो, कोच को जोड़ दो, कोच सी ओ एच, देखो कोच को जोड़ना कोच रिएक्शन, ये बेंजाल्डिहाइड बन गई, क्या बन गई, कोच रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, बेंजाल्डिहाइड। सिंपल है ना, बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, देखो कैसे, फिर देखो कोच को अकल, कोच दिख जाए तो को अकल, कार्बन मोनोऑक्साइड एस सी एल, ये बेंजीन को हमने मॉलिकुलर फॉर्म में लिखा है, तो इसका एच इसके सी एल से जब एस सी एल जाएगा कोच को जोड़ देंगे। अब आगे वाली रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लो, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस बा में आ तो को अकल, जामे हसन अकल, हसन अकल, सीधे लॉजिक बनाओ, को अकल, कोच हो गए तो को अकल, और बाकी आगे आए तो हसन अकल, हसन अकल, हसन अकल, हसन अकल माने हाइड्रोजन साइनाइड, अल्लाह के कल्लू जग में रहेंगे। लगातार इन चार रिएक्शन में अल्लाह के कल्लू रहा, बेंजीन रहेगो, तो ये चार रिएक्शन एक साथ याद करने के फायदे, चारों में बेंजीन, चारों में अल्लाह के कल्लू, ठीक है, हाइड्रोजन हटाना है और रिएजेंट जोड़ना है, रिएजेंट बहुत सिंपल है, एल्किलेशन है तो एल्काइल हैलाइड, एसिलेशन है तो एसाइल हैलाइड, कोच है तो को अकल, आगे वाले में हसन अकल। देखें क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है, एच यहाँ नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सी एच एन एच, इन्हें जोड़ दो तो क्या, जे इसका एच सी एल से निकल जाएगा एच सी एल, एच सी एल, जे एच एच सी एल से निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा सी सिक्स एच फाइव, और ये क्या बचा यहाँ सी एच, और ये यहाँ क्या बचा एन एच, सी एच एन एच, बेंजाल्डिमीन, बेंजाल्डिमीन बन गया। बेंजाल्डिमीन को क्या करेंगे, वाटर के साथ बॉयल कर देंगे, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी और बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन गए, एक इटार्ट, बहुत सुपर है इटार्ट, टॉलुइन टुल्लू की रिएक्शन है, याद रखो इटार्ट कौन की रिएक्शन है, ऊपर अभी टॉलुइन बनाई थी, टॉलुइन की रिएक्शन है, टॉलुइन ध्यान रखो, इटार्ट आ जाए तो टुल्लू को बुला लियो, ठीक है। यहां क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, काय की प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड CRO2 Cl2 की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड बन जाता है, बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, प्लस H2O, बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखो जे यहाँ गए H2O बन गया, वो जुड़ गई, हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इटार्ट, बहुत अच्छी रिएक्शन है, नोट कर ले।
चलो ये भी टेबल पूरी हो गई। एक बची है क्या? नहीं, खत्म हो गई। एक हाँ बची अभी, अमोनिया की रिएक्शन। हाँ ये देखो, ये धमाकेदार रिएक्शन है व्हाट हैपेंस के। तो अब अपन एंड पे ही आ गए हैं, थोड़ा और बचा है, देखते रहे। अमोनिया की रिएक्शन है, बहुत बार आई है ये रिएक्शन। कौन कौन सी है? एसिट एल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, एसीटोन रिएक्ट विद अमोनिया। देखते हैं, एसिट एल्डिहाइड तो CH3 CHO, एसिट एल्डिहाइड को फॉर्मूला लिख लो, एसिट एल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया तो NH3। तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, एच आके यहाँ जुड़ जाता है, OH एन यहाँ जुड़ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सिंपल रिएक्शन है OH और NH2। ये बन गया एसिट एल्डिहाइड अमोनिया, कुछ नहीं है, एडिशन रिएक्शन है, एसिट एल्डिहाइड अमोनिया, कोई ट्विस्ट नहीं है, सिंपल है। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को एसीटोन है तो डबल मॉलिक्यूल ले लो, पहले नंबर पर तो एक ले लो, यहाँ दो ले लो, एसीटोन के टू मॉलिक्यूल अमोनिया, बहुत सिंपल है। कंडेंसेशन है, एक प्रकार का कंडेंसेशन है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो बटन रिमूव कर दोगे। कैसे? देखो जे बॉन्ड ब्रेक करो, जे वो है, अब एक एच यहाँ से ले ले, एक एच जाको ले ले, तो कन करगा एच टू, कंडेंसेशन है एक प्रकार का। जे ओ निकल गया तो क्या बचो? CH3 CH3, दो बैलेंसी खाली हो गई। जब जो H2 निकल गई तो दो ऊपर वाली बैलेंसी से NH2 नीचे से एसीटोन लटकाए थे, ऊपर से NH2 नीचे से एसीटोन लटकाए थे, तो ये डाई एसीटोन बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? डाई एसीटोन एमाइन, NH2 है लास्ट में, NH2 महाराज, NH2 डाई एसिटोन एमाइन। तो ये दोनों समझ में आए, सिंपल है। देखो एसिटाइल एक भी तो मोनिया, एसीटोन में दो ले लिए, जामे एक ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो जो सिंपल है, बेंजाइल एक भी तो मोनिया, C6H5CH। अब जब हम तीन मॉलिक्यूल लेंगे, पहले एक मॉलिक्यूल, फिर दो मॉलिक्यूल, फिर तीन मॉलिक्यूल, सीधा सिस्टम, वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, थ्री मॉलिक्यूल, तीसरे नंबर पे आइए ना तो थ्री मॉलिक्यूल हमने ऑर्डर से लगाई है। अमोनिया को हम ऐसे लिख लेंगे, लिखने के तरीके समझिए बेटा, NH3 को हम ऐसे लिख लेंगे, एक बेंजाल्डिहाइड को उल्टा लिख लेंगे, अगर बेंजाल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन आ जाए तो ऐसे लिखेंगे, तीसरे नंबर पे तो तीन मॉलिक्यूल लेंगे, इसका H2O रिमूव कर दो, JH2O रिमूव हो जाएगा, JH2O जाते हैं रिमूव, कितने? तीसरे नंबर पर तीन मॉलिक्यूल लेंगे, थ्री नंबर पर थ्री मॉलिक्यूल, इन्हें कंबाइन कर दो, तो क्या क्या बचा था? देखो C6H5CH डबल बॉन्ड, नीचे का बचो C6H5CH डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ N, और जो सिंगल बॉन्ड से CH CHO CH C6H5, हाइड्रोबेंजामाइड बनने वाला प्रोडक्ट, हाइड्रोबेंजामाइड प्रोडक्ट का नाम हाइड्रोबेंजामाइड। बेंजाल्डिहाइड के थ्री मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो हाइड्रोबेंजामाइड बनता है, ये बहुत बार आई है रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटिक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड भी पूछ सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैसे करा रहा है? अमोनिया से करा रहा है भैया, अमोनिया से। क्या होगा? बहुत सिंपल बात है, इसका ये एच जो है एसिड है, ये बेस है, ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन लेगा, ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, ये बन जाएगा अमोनियम बेंजोएट। हीट करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, एसीटेमाइड बन जाएगा, और यहाँ बेंजेमाइड बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाता है, बहुत सिंपल है। यहाँ भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं इसलिए यहाँ भी बटर रिमूव होगा। देखो बहुत सिंपल है, नोट कर लो। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट, बहुत सुपर भैया, ये तो याद करनी ही पड़ेगी, ये तो आने के चांस भी है भैया इसके। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, यूरोट्रोपीन भैया, यूरोट्रोपीन करके आ जाते हैं, यूरोट्रोपीन। देखो
फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे CH2O, अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? यूरोट्रोपीन का दूसरा नाम याद कर ले भैया, यूरोट्रोपीन का नेम है हेक्सामिथिलीन, 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 टेट्राएमीन, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन। हेक्सामिथिलीन बोलें तो CH2 का होल 6, टेट्राएमाइन बोलें तो N4। ये है व्हाट इज यूरोट्रोपीन, हेक्सामिथिलीन, टेट्राएमाइन। फोर मॉलिक्यूल है तो 4 लिख दो, 6 मॉलिक्यूल है तो 6 लिख लो। ऑक्सीजन 6 हो रहा है तो वाटर के 6 मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर बनानी है तो बेंजीन की रिंग बना दो, बेंजीन की रिंग बना दो भैया, लो बीच में नाइट्रोजन फंसा दो, नाइट्रोजन को 120 के एंगल पर रख दो, 120 रख दिया, इनके बीच में CH2 डाल दो, CH2, दो नाइट्रोजन के बीच में CH2 फंसा दो, दो नाइट्रोजन के बीच में CH2 फंसा दो, बन गए स्ट्रक्चर भैया, काय के यूरोट्रोपिन के। कैसे बनाना है यूरोट्रोपिन समझ गए? यूरिनरी कैनाल इन्फेक्शन में मेडिसिन के रूप में यूज होती है यूरोट्रोपीन, यूरिनरी कैनाल इन्फेक्शन में, RDX बनाने में भी यूज होती है, ये दो यूज है इसके। अरे भैया जो लास्ट में कैनी जा रो, अरे भैया, अरे भैया बड़ी सुपर है, 2023 लिखा ही ले महाराज जाए, कैनी जा रो और सेंको, कैनी जा रो सेंको, देखते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो देते हैं कैनिजारो, नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो देते हैं। बेटा थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ तुम्हें, थोड़ा रुक के इसे समझो, क्योंकि जे भैया इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो भाई परकिन हुई, ये बड़ी सुपर रिएक्शन है। चलो देखो कैनी जा रो में हमने बताया नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। कौन में नहीं होता है? फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता है, और बेंजाल्डिहाइड में नहीं होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल देंगे, कितने देंगे? एक फॉर्मेल्डिहाइड का, एक बेंजाल्डिहाइड का। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो HCHO, HCHO, देखना ध्यान से, फॉर्मेल्डिहाइड। कैनिजारो कैसे बताओ? कास्टिक सोडा, कैसे बताओ? कास्टिक सोडा, कैनिजारो आ जाए, लॉजिक बना ले भाई, कैनिजारो कास्टिक सोडा, जी याद रखियो, कैनिजारो कास्टिक सोडा, जी बोल जाओ लोग, कैनिजारो कास्टिक सोडा, कैनिजारो कास्टिक सोडा, हो गई याद। एक का ऑक्सीडेशन जारो, जारो कास्टिक सोडा के द्वारा जलाए दे, जारो माने ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। लॉजिक बनाओ, जब भी कैनिजारो आए तो कैनी प्लस जारो, कैनी से कास्टिक सोडा के द्वारा जलाना है, किसे माने जलाना है, माने ऑक्सीडेशन करना है, किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। कैसे होता है देखो, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जो नेगेटिव होता है जो पॉजिटिव हो जाता है, देखना ध्यान से, एनी पॉजिटिव है तो कैसे जुड़ जाएगा? ओ से ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो कहा जाएगा एच, और यहाँ ओ जोड़ दोगे और जी ओ है नहीं, सोडियम फॉर्मेट, क्या बन गया? यहाँ सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट। कैसे हुआ देखो, जे एन ए ओ से जुड़गा तो ओ एन ए, और जे एच हटके ओ जुड़गा, जे वाली ओ जुड़ गई, यहाँ जे वाली, तो होगा ना, इसका रिडक्शन करना है। दोबारा देख लो बेटा, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज्यादा बातें कह देना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जाए दोबारा देख लो, उन्हें और सिंपल करें दे रहे हैं। कैसे देखो, डबल मॉलिक्यूल ले काय के, फॉर्मेल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड के डबल मॉलिक्यूल एच एच ओ, एच एच ओ, सीओ साफ से दो एच हो तो फॉर्मेल्डिहाइड हो, फॉर्मेल्डिहाइड, सीओ साफ से दो एच, फॉर्मेल्डिहाइड, सीओ साफ से दो एच हो तो कहा फॉर्मेल्डिहाइड। कास्टिक सोडा के द्वारा हमें जलाना है, कंसंट्रेट कास्टिक सोडा, जलाना है माने ऑक्सीडेशन करना है, और दूसरे का क्या करना है? रिडक्शन करना है। कैनी जारो में वन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, वन का रिडक्शन होता है, पहले रिडक्शन कर लो। तो रिडक्शन कैसे करोगे? जे नेगेटिव, जे
एक एच यहां जोड़ दो, एक एच यहां जोड़ दो, तो एच आते कहां से हैं रिडक्शन के लिए, एक एच तो यहां से उठाए लेते यहां जोड़ दे, एक एच यहां से उठाए के यहां जोड़ दे, तो ये कब प्रिपेयर होगा, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, मैथिल एल्कोहल। रिडक्शन काय में हो जा तो मिथाइल एल्कोहल में, याद रखियो मिथाइल एल्कोहल को मैथेनॉल से उका, ध्यान रखियो नहीं मिलक जाए तुम्हारी मैथेनॉल को, जहां को ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एच हटा लाओ तो ओ जोड़ दे यहाँ, और जो बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव और पॉजिटिव तो एन यहाँ जुड़गा, तो जी क्या बन गा सोडियम सॉल्ट, जे सोडियम सॉल्ट या सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है भैया। थकान हो रही अब तो हमें, बहुत देर हो गई, तबीयत खराब है इसलिए ज्यादा घंटे तक बोलने में दिक्कत होती है, थोड़ा और देखते हैं, इसमें और भी टॉपिक रह गए हैं, कन्वर्जन और हार्ट हैपेंस रह गए इस टॉपिक में जो हमने बताए थे, तो उसको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे, अभी इस रिएक्शन को इसमें कंप्लीट कर देते हैं, उसका अलग से बना देंगे, बस इसमें ही जोड़ा था हमने, लेकिन क्या अब ज्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है तो उसे थोड़ा रेस्ट लेके बनाएंगे, ठीक है इसे और थोड़ा देख लो, सेंको ये तो हो गया, इसमें एक एग्जांपल और देख लो, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसमें एक बेंजाल्डिहाइड का और एग्जांपल देना है, देख लो भैया बेंजाल्डिहाइड का, बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल और देख लें, C6H5CH तो एक का ऑक्सीडेशन करना है, एक का रिडक्शन करना है, कहीं कह नहीं जा रो, कंसंट्रेट कास्टिक सोडा के द्वारा एक को जलाना है, एक को ऑक्सीडेशन करना है, एक का रिडक्शन, पहले रिडक्शन करना है, जे कैच यहां से उठा लो, एक एच यहां से ले लो, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल को एक दूसरा नाम और है बेंजिनॉल, अब हाफ ईयरली में आओ तो बेंजो बेंजिनॉल, बेंजाल्डिहाइड से बेंजिनॉल, बेंजिनॉल आ जा समझ जाओ, कह नहीं जा रो ही करने है, इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो जो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, अभी आई थी जो रिएक्शन ऐसे आई थी, बेंजाल्डिहाइड कन्वर्टेड, बेंजाल्डिहाइड कन्वर्टेड, कई लोग नहीं कर पाए थे, बेंजाल्डिहाइड कन्वर्टेड बेंजिनॉल और सोडियम बेंजोएट, तो हमने कहा नेम रिएक्शन के प्रोडक्ट पे निगाह रखियो, बहुत सारे कन्वर्जन नेम रिएक्शन से ही होते हैं। अब आओ सेंको रिएक्शन, सेंको रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल ले लेते हैं और एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो इथाइल एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड का इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, एथाइल एसीटेट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, एसिटाल्डिहाइड का इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट होना, इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट होना काय की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की, सेंको रिएक्शन बोला जाता है, तो ये सेंको रिएक्शन है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो सिल्वर मिरर टेस्ट बता ही चुके हैं, टॉलिन रिएजेंट, ओजोनोलिसिस, कुछ रोब रिएक्शन, ये देख लो जल्दी जल्दी से भैया, ओजोनोलिसिस देख लो, ओजोनोलिसिस माने ओजोन की रिएक्शन, एल्कीन पर जब हम ओजोन की रिएक्शन करा देते हैं ओ थ्री की, ठीक है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये ओजोन यहाँ जुड़ जाएगा, ये ओजोनाइड बन जाता है ओजोनाइड, इस ओजोनाइड का जिंक डस्ट के द्वारा हम क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सी ओ साहब, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप बनाने की प्रिपरेशन है, साथ में एच टू ओ टू रिमूव हो जाता है, ये ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में ओजोन की रिएक्शन करा देते हैं ओजोन, बहुत सिंपल है देख लो, जब पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे ओजोन नीचे से जाके शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, कुछ रोब में कुचर जाते हैं, देखो कैसे कुचरते हैं देखते हैं, कुछ रोब रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, कई बार आई है हाइड्रोलिसिस है,
एसिटिलीन का हाइड्रोलिसिस है, वो एल्कीन है, ये एल्काइन है, एल्काइन मतलब एसिटिलीन है, एसिटिलीन एल्काइन, ओजोनोलिसिस एल्कीन की रिएक्शन है और कुचरोब एल्काइन की रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस करते हैं 42% H2SO4 और 1% HgSO4, याद रखना है इसकी कंडीशन, याद रखना है 42% कुचरोब में 42% H2SO4, 1% मर्क्यूरिक सल्फाइड, 1%। तो कैसे होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाती है, हाइड्रोजन आगे जुड़ जाता है, एसिड एल्डिहाइड जो प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की, एसिड एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है, ऐसे हम आगे एसीटोन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुचरोब रिएक्शन है, ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये नेम रिएक्शन हो गई आपकी पूरी। अब आपको कन्वर्जन अलग से लेके आएंगे, भाट हैपेंस अलग से लेके आएंगे। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे कमेंट लाइक ठोकते रहें।